हेलो टू ऑल माय लवली ऑडियंस वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशन चैनल मैग्नेट बीन इस वीडियो में हम आगे आ चुके हैं चैप्टर वन के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे कौन से कौन से कर रहे थे बिगिनर्स इंटरमीडिएट एंड फाइनली हम आ चुके हैं हॉट्स लेवल के क्वेश्चन हॉट्स यानी क्या हाई औरत थिंकिंग स्किल्स यानी जिन्हें हम कहते हैं अचीवर्स लेवल

तो मुझे लगता है एक ये बेटर वे है केस के वे में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कौन सा केस मैम क्या ये कोर्ट है बिल्कुल यहाँ एक कोर्ट है और हम जो है ना लॉयर्स बैठे हैं और जज भी हम ही बनेंगे लॉयर्स भी हम हैं जज भी हम बनेंगे डिसीजन भी हमको देना है क्या होगा कुछ नहीं ऐसे केसेस आएंगे चार पांच केसेस होंगे केस वन दिया है आप पूरा केस पढ़ो यहाँ पे कोई वेरिएबल्स होंगे वेरिएबल यानी क्या नाम नहीं बताया ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी लिख दिया वो लिख दिया देन उसके बाद क्या होगा आगे देखो ऐसे ही इस केस पे रिलेटेड पांच क्वेश्चन होंगे यानी हर केस से रिलेटेड पांच क्वेश्चन होंगे एंड इन क्वेश्चन का आपको देना है सही आंसर है ना साउंड ईजी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अपन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है केस को पढ़ना है जितना हो सके देखो जितना हो सके केस को यहीं पे सॉल्व कर लो एंड देन किसी चीज़ में लगता है हाँ भाई अब तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा तो तब हम आएंगे क्वेश्चंस पे is it clear so let's read case one the main transport system in human being is the blood circulatory system it consists of a blood vessels and heart a pumping organ a is red colored connective tissue it has a fluid matrix called p and three kinds of corpuscles x y and z suspended in it p is a pale colored yellow fluid yellow to hai, per pale colored fluid which constitutes 55% of blood volume

क्यों नहीं है पी एक्स वाई जेड इतना ही है यस yes, बिल्कुल वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में देखो ए है पी है एक्स वाई और जेड है तो ये पांच वेरिएबल्स हैं यानी कहीं ना कहीं जो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कहानी यहीं यहीं घूमेगी तो अब ये जो केस पड़ा है दो मिनट के लिए क्या बन जाओ लॉयर बन जाओ अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्लड वेसल्स एंड हार्ट अ पंपिंग ऑर्गन ए क्या है रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है

ये तो हमारा खून है ये क्या है ब्लड यानी स्टेप वन अचीव एक वेरिएबल आपने कर दिया आइडेंटिफाई अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं कितनी आसान काम है एक चीज आइडेंटिफाई कर दी अच्छा ये पहले काम क्यों किया जा रहा है सुनना ध्यान से ये काम अगर कर लोगे ना तो आगे की जो पांच क्वेश्चंस है ना उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि केस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है नतीजे पे आने पे इतना नहीं है ना केस में जो है आपको लाने हैं कि कौन लोग हैं आपके पास क्या गवाह है क्या सबूत है एवरीथिंग एविडेंसेस में टाइम लगता है तो ये है एविडेंस एंड देन व्हेन यू एक्चुअली कम जज को डिसीजन लेना होता है तब तो इतना टाइम नहीं लगता इज इट क्लियर और नॉट तो अभी के लिए ये मानो कि हम जो है इनको सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स को ए हो चुका है ए क्या है ब्लड है अब क्या कहते हैं आगे देखो इट हैज इट कौन जो ब्लड है

कहते हो कि नहीं बिल्कुल याद है ब्लड प्लाज्मा येलो कलर का तभी तो जब मैं बोल रही थी तो बोलते बोलते मेरे मुंह से येलो कलर निकल गया अच्छा और अगर समझ नहीं आए तो क्लियरली दिया है पी इज अ पेल पेल कलर्ड यानी पेल कलर का जो होता है फ्लूड होता है जो पचपन में वही रहता है तो वो कौन हुआ प्लाज्मा हुआ अब तो समझ जाओगे चलो भाई अब तीन सेल्स की बात करी है उसमें से एक एक के बारे में बताया है पहला कहते हैं

किस की वजह से एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर लाल होता है तो बोलो मैम ये तो ठीक है आपने लाल रंग बताया ऑक्सीजन का क्या खेल है इसमें तो जब लंग्स में ऑक्सीजन होता है लंग्स में जब हम करते हैं ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है क्योंकि ये इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है ये इसको दोस्त बना सकता है जल्दी और क्या बना देता है ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या बना ने, क्या बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है हमारा ब्लड के साथ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज इट क्लियर ऑन नॉट समझे हो कि नहीं ये बात तो ये ब जो बनाती है बोले ये क्या अरे यही तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्लड पूरे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में जाता है और कहता है ऑक्सीजन ले लो ऑक्सीजन ले लो ठीक है तो समझ गए ये लाइन कैसे प्रूफ होती है एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन बॉडी तो एक्स हो गए आरबीसी क्लियर है नेक्स्ट आ जाओ वाई आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी वाई आर कॉल्ड सोल्जर सोल्जर यानी क्या जैसे हमारा देश है हमारे देश की आर्मी है डिफेंस है जो खड़ी रहती है बॉर्डर पे और हमें प्रोटेक्ट करती है वैसे ही हमारी बॉडी में भी अब हमारी बॉडी में मैम आतंकवादी आ रहे हैं

बोलो मैम केस में एविडेंस तो दे दिए अब आ जाइए जरा क्वेश्चन पे सो लेट्स स्टार्ट केस नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन अच्छा यहाँ पे वन मोर थिंग बता देती हूँ हम कैसे सॉल्व करते हैं एमसीक्यू क्यू यहाँ पे जो है आप आंसर या तो आप ऐसा कर सकते हो आप अपनी कॉपी में आंसर नोट डाउन करते जाओ और चेक करो एंड इन दी एंड इन एंड क्या करोगे जितने भी क्वेश्चन हुए बीस पच्चीस क्वेश्चन हुए उसमें आप क्या करोगे आउट ऑफ बता दोगे ट्वेंटी में से एटीन आए या ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी आए पंद्रह आए दस आए कितने भी आए आप बताओ क्यों बताओगे भाई मैम जैसे क्लास होती है क्लास में टेस्ट होते हैं तो दोस्तों के मार्क्स देख के समझते हो ना कि वेयर वी स्टैंड कितनी मेहनत करनी है तो यार ये भी तो अपनी क्लास ही है मैं पढ़ा रही हूँ आपको आप सब पढ़ रहे हो आप सब मेथ्स हो तो देखो एक दूसरे के स्कोर और इतना पहचाना कि मुझे कितनी मेहनत और करनी है क्लियर है आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एक्स वाई जेड या ऑल ऑफ दीज अब पूछा जा रहा है क्लियरली ब्लड क्लॉटिंग में इनमें से किसका मेजर रोल है तो बेहतरीन तरीके से एक्स वाई जेड अब अगर पहले ये पढ़ लेते तो पहले मतलब ये निकालने लगते अभी हमने क्लियरली यहाँ लिख दिया है तो बताओ ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है क्लॉटिंग कह दो कोशन कह दो एक ही बात है तो जेड यानी प्लेटलेट नाम लिया था कैसे करता है तो इसका मैकेनिज्म हमने देखा है और देखना अगेन बहुत जरूरी है आ जाओ क्विकली लेट्स रिकॉल द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ठीक है अच्छा अब ब्लड क्लॉटिंग ध्यान से सुनना ये प्रोसेस क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग हम तब की बात कर रहे हैं जब बॉडी में एक्सटर्नली कोई इंजरी आई हो क्या कहा ब्लड क्लॉटिंग की हम बात तब कर रहे हैं जब बॉडी में एक्सटर्नली कोई इंजरी आई हो अंदर वाली बात नहीं अंदर क्लॉटिंग अच्छी नहीं है इंटरनल क्लॉटिंग इज़ नॉट गुड बट एक्सटर्नल जैसे मान लो यहाँ कहीं कट आ गया यहाँ यहाँ कहीं, कहीं कट आ गया तो देखते हो थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है ऐसा तो नहीं दस पंद्रह घंटे बह रहा है रुक जाता है और एक क्लॉट टाइप बन जाता है तो उसमें कौन मदद करते हैं बॉडी के ये सेल्स और ये ज़रूरी क्यों है अरे भाई क्लॉटिंग नहीं हुआ तो खून ऐसे बह जाएगा गंगा की तरह खून बह गया तो कैसे बचोगे भाई तो इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट अब इसमें मदद कौन करते हैं प्लेटलेट्स कैसे करते हैं तो ये कहानी अपने को देखनी है भाई आ जाओ देखो सिंपली बताती हूँ बहुत ही ईजी वे है मेरा ये कहानी बताने का अभी अपन थ्रोम्बोप्लास्टिन और वहाँ तक नहीं जाएंगे अभी प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं उतना बताऊंगी मैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे बेस्ड है तो मान लो जैसे ये अपनी जो है ठीक ये क्या है अपनी स्किन है अरे ये मान लो ना स्किन का ट्रांसफर सेक्शन है ये अपनी स्किन है ठीक है अब यानी ये अपर एपिडर्मस है ये लोअर है अरे ये अपर एपीथीलियम है लोअर है सेल्स प्रेजेंट है अब यहाँ पे अंदर बह रहा है खून बह रहा है खून ये देखो ब्लड में आरबीसी जो है डिस्क शेप की आर बी सीज ये बढ़िया बह रही हैं मस्त अपने मज़े में घूम रही हैं और यहीं पे जो है घूम रहे हैं हमारे प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स भी घूम रहे हैं बह रहा है ब्लड और और क्या होता है ब्लड में अरे पचपन परसेंट तो प्लाज्मा ही होता है ना अरे वही येलो कलर का लिक्विड नहीं है फ्लूइड ऐसा ऐसा बह रहा है हल्का हल्का कलर दिखे तो भी समझ जाना ठीक है ये है ब्लड का प्लाज्मा समझ गए अभी खून बह रहा है मज़े में बह रहा है नाउ वट हैपन्स इज नाउ मान लो कोई इंजरी हुई इंसान को कट लग गया तो ये जो स्किन है ये स्किन इतनी एक्सपोज हो गई ये जो स्किन है ये स्किन में जो कलाज है ये जो है एक्सपोज हो गया अब जब स्किन एक्सपोज हो गई तो क्या होगा जब स्किन एक्सपोज हो गई तो क्या होगा इन प्लेटलेट्स को लगेगा कुछ ना कुछ हरकत तो भाई हुई है कुछ ना कुछ हरकत हुई है तो ये जाएंगे देखने भाई सब ठीक तो है ऐसा होता है ना अपन देखते हैं कि यार कुछ अपन जा रहे हैं कहीं रोड से किसी को कुछ हो गया तो हम जाते हैं ना देखते हैं सब ठीक तो है तो ये प्लेटलेट्स जाते हैं तो इसको बताता है भाई स्किन का लेयर की स्किन एक्सपोज हो चुकी है एक्सपोज होने में डर क्या है सबसे पहला तो ब्लड बाहर आ जाएगा बहुत ज़्यादा दूसरा वही जो वायरस बैक्टीरिया पैथोजन कतार में ऐसे बैठे रहते हैं कि कब इस इंसान में कोई गलती हो या कोई इंजरी हो तो हम डायरेक्ट एंट्री ले लें है ना यहाँ तो रोकने वाला आप कोई नहीं डायरेक्ट एंट्री ले लें और बीमार कर दें तो इन दोनों काम से बचाना है तो प्लेटलेट कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ क्या कहता है कोई बात नहीं मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं अपन एक ना ऐसे हाथ पकड़ के खड़े नहीं हो जाते दीवार बना देते हैं हम एक टाइप का प्लग बना देते हैं चिंता मत करो थोड़ी देर के लिए जो है टेम्परली जो है ये ब्लड आपका बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे प्लेटलेट्स एंड दे फॉर्म ऐसा एक बंच बना देते हैं इसे कहा जाता है ध्यान से सुनना इसे कहा जाता है प्लेटलेट का प्लग क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग तो प्लेटलेट प्लग की एक कहानी सुनना

ल्यूकोसाइट्स एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर करते हैं जो मैंने आपको बताया था इम्यूनोसाइट्स वाले जो सेल्स होते हैं अभी बोला था ना अच्छा पहले पहले तो तो सबसे तो ये बात देखो ल्यूकोसाइट्स आधे लोगों का दिमाग यहीं घूम गया अरे डब्ल्यू बी सी को तो कहते ना डब्ल्यू बी सी कह लो या ल्यूकोसाइट्स कह लो एक ही बात है ठीक है तो ल्यूकोसाइट्स ये बात तो सही है फर्स्ट सेकेंड वाली भी सही है क्यों दो टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं फैगोसाइट्स एक खाने वाला काम करते हैं दूसरे इम्यूनोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो ये बात भी सही है तीसरा ल्यूकोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो हमने इंटरमीडिएट लेवल में एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे आया था कि बोन मैरो में क्या क्या बनता है तो आर और डब्लू यानी एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं बोन मैरो में तो ये भी सही बात है आखिरी बात गलत क्यों है देखो ये कह रहे हैं कि ल्यूकोसाइट यानी ये जो डब्ल्यू बी है ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है अरे भाई पीछे केस में क्लियरली देखा है यही तो हमारी आर्मी है डब्ल्यू यही तो हमें बचाती है से इट और पात्र कह रहे हैं, नहीं है तो मतलब ऑप्शन डी हो जाता है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन हमारे लिए ले ये करेक्ट आंसर है इज इट क्लियर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थ्री केस वन का ही क्वेश्चन है ये इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पी इन चारों में से पी में क्या नहीं होता है पहले तो पी क्या है पी है प्लाज्मा यानी किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे प्लाज्मा तो ए वाटर एंड सोल्स बी फैक्टर डी हीमोग्लोबिन बहुत ईजी आंसर है पता है क्या प्लाज्मा अभी जब पीछे मैंने बताया था प्लाज्मा आई साइड येलो कलर का येलो कलर का एक पेल फ्लूड होता है प्लाज्मा क्या होता है पेल टाइप का फ्लूड रहता है पेल टाइप का फ्रूट येलो कलर कलरलेस टाइप का इसको थोड़ा मान सकते हैं अपन है ना पेल होता है या कलरलेस जैसा ही होता है बिल्कुल तो ये क्या होता है अब ये इसमें कलर क्यों नहीं है रेड तो है अब इसमें कलर रेड क्यों नहीं है बोलोगे मैम ऑब्वियसली वही पिगमेंट अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें कलर नहीं आएगा आर बी सी को रेड क्यों कहते हैं क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये रेड कलर के नहीं होते हैं विच मीन्स ऑप्शन डी है, है ना ऑप्शन डी यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता प्लाज्मा में क्वेश्चन थ्री ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर लेट्स कम टू क्वेश्चन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए ए क्या है ब्लड यानी ब्लड से रिलेटेड कोई गलत स्टेटमेंट बताओ इन चारों में से गलत स्टेटमेंट लेट्स रीड दि ऑप्शन टिश्यू कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट बी इट इज अबाउट ट विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस तो पढ़ते पढ़ते ही अजीब लग रहा होगा बोलोगे सबसे पहला स्टेटमेंट तो सही है रेस्पिरेटरी पिकमेंट कौन सा होता है हीमोग्लोबिन अबाउट सिक्स पॉइंट एट लीटर्स होता है नॉर्मल अडल्ट में नॉर्मल अडल्ट की बात करेंट एट लीटर्स ब्लड रहता है बिल्कुल सही बात है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स एंजाइम्स सब ब्लड से ही तो जाते हैं तभी तो इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट सही बात डी देखो डी में बोलोगे मैम प्लेटलेट्स तो हैं इसके बाद सही बात तो है अरे पूरी बात पढ़ो ना प्लेटलेट्स तो हैं पर ये कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से तो दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि प्लेटलेट्स देखो प्लेटलेट्स का काम क्या है मेन काम होता है इनका ब्लड क्लॉट करना वही जो खून बहने से रुक जाता है वो प्लेटलेट्स की मदद से होता है बॉडी को बचाने अरे आर्मी कौन थी फिर से पीछे देखा था ना वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स ये बनती है आर्मी विच मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर समझ गए हम कि ये सही आंसर है और राइट right, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन आंसर सही है ठीक लेट्स कम टू क्वेश्चन फाइव ये केस वन का लास्ट क्वेश्चन है ई परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द साइन ऑफ इन्फेक्शन इन बॉडी एक्स वाई जेड एन ऑफ दीज अच्छा क्वेश्चन है देखो इनमें से एक्स वाई जेड यानी आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटमेट में अगर कोई भी ज्यादा हुआ तो वो होगा साइन ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि अगर इनमें से कोई ज्यादा मिला तो मतलब आपकी बॉडी में बेटा इन्फेक्शन हुआ है कोई ना कोई बीमारी हुई है तो इसका एक आसान सा एग्जाम्पल देती हूँ चलो जैसे वैसे तो पुलिस नॉर्मली आपको दिखती है ठीक है आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे दिखेगी धरत पर किसी दिन ऐसा नहीं होता यार आज बाहर निकले हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी है ऐसा होता है ना कभी कभी बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है आर्मी तक आ गई है भाई लोग तो मतलब समझते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कुछ प्रॉब्लम हुई है है ना बड़ा केस हुआ है कुछ तो यानी क्या खड़ी होती है वहाँ पर डिफेंस खड़ा होता है डिफेंस यानी आर्मी ऐसा कह सकते हैं पुलिस डिफेंस आर्मी तो हमारी बॉडी का डिफेंस कौन होता है

तो किसका नाम आया देखो ना भाई किसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का और मोटे से दिखाते देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब तो दिख गया तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी अब पूरी कहानी चलेगी इस टाइप के न्यूट्रिशन पे तो फर्स्ट एक काम कर लेते हैं केस को खत्म करते हैं पढ़ना फिर देखते हैं क्या है न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन नियरली रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स ए बी एंड सी न्यूट्रिशन बोला है तीन टाइप का होता है तो बोलते हैं ठीक है कौन से कौन से टाइप्स हैं ए के लिए कहा है ए आर देट्रोट्रॉफ्स विच गेट दियर फूड सप्लाई फ्रॉम डेड और डीकेंग ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म शोइंग बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिव ऑन और इन साइड द बॉडी ऑफ अनादर ऑर्गेनिज्म इन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म स्पीड एक्सक्लूसिवली ऑन सॉलिड फूड ठीक है तो इसके लिए किसकी कहानी रिकॉल करनी पड़ेगी देखो रिकॉल तो हम करते जा रहे हैं पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा ऐसे तो किसकी कहानी हम रिकॉल करेंगे हम रिकॉल करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चलो एक चीज़ तो ओरली बता देती हूँ न्यूट्रिशन यानी क्या खाना पीना अब न्यूट्रिशन हमने देखा था दो टाइप का एक था ऑटोट्रॉफिक वो जो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं दूसरा क्या था दूसरा था भाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो बना बनाया चीज़ खाते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है सनलाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी से फूड बनाने की तो हेट्रोट्रॉफिक में यहाँ पीछे कह रहे हैं तीन टाइप के होते हैं पीछे क्या कहा तीन टाइप के होते हैं तो बोला बिल्कुल सही बात है अरे गलत नहीं कहा है है रिकॉल करो जिस जिसने पढ़ा है, उन्हें याद आ गया होगा अरे याद आया कि नहीं अपन ने देखे थे ना कि मेन तो ये दो टाइप होते हैं ऑटो और, तो और हेट्रो और इन्हीं के अंदर डिविजन होते हैं कौन से डिविजन आ जाओ जल्दी से रिकॉल करते जाओ ये जो है ना आपको सिर्फ ऐसा नहीं है ये रिकॉल करना आपको क्यों पड़ रहा है भाई देखो आपके मान लो कोई भी टेस्ट आ रहे हो कोई भी आपको एग्जाम देना हो अभी मान लो स्कूल टेस्ट भी हो तो एक क्विक हो जाएगा ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना न्यूट्रिशन होते हैं तीन टाइप के एक होता है सेप्रो सैप्रोफिटिक एक होता है सैप्रोफिटिक एक होता है पैरासिटिक एक होता है पैरासिटिक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है होलोजोइक ठीक गौर से देखो एकदम से देखो इन तीन नामों को parasitic, और तो इन सब के नाम हमने देखे थे बिल्कुल और देखते भी आते हो तो आज से ये जान लो अगर पहले याद ना हो कि दीज थ्री कम आट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन विच मीन मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड थ्री थ्री एंड ये आते हैं हेट्रोट्रोफिक में ठीक है मैम इतना समझ गए आगे आइए आगे में मैं थोड़े थोड़े फीचर्स आपको बता दूंगी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डीकेड मैटर पे फीड करते हैं अगेन सुनना अच्छे से क्या बोला सेप्रोफिटिक उस टाइप का न्यूट्रिशन है या फिर ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अरे देखो भाई दुनिया में कोई इंसान मर गया या कोई प्लांट मर गया अब वो तो चले गए भाई उनका बॉडी जो है उनका रिमेन यहीं रह गया ठीक ना हो ऐसा तो नहीं है इंसान मर गया या फिर जो है प्लांट मर गया लेकिन उसका जो बॉडी है इट इज़ देयर विच मी न्यूट्रिशन अभी भी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसे यूज किया जा सकता है सही बात है कि नहीं उसको वेस्ट क्यों किया जाए तो ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं हैं ये कहते हैं, कुदरत से जो वापस लिया तो कुदरत से जो लिया था उसे वापस दे दो यानी तो उन्हीं से न्यूट्रिशन ले लिया न्यूट्रिशन इन विच फीड ऑन डेड एंड डिटेड मैटर ये होते हैं कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया इज इट क्लियर पहली कहानी समझ आई कि नहीं क्योंकि दिस इज द एरिया मैं बता देती हूँ जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है हैं तो अब कभी कभार बच्चे जो होते हैं होलोजोइक एक पैरासिटिक एक से सुनाई देते हैं तो आज से ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यानी क्या डेड एंड मैटर पे फीड करने वाले इज इट क्लियर पैरासिटिक पे चलो भाई देखो पैरासिटिक कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है बिकॉज अपन ने ये नाम पहले सुना है पैरासिटिक जैसे कि आप पैरासाइट्स पैरासाइट कह सकते हो ना पैरासाइट्स क्या होते हैं सबसे ईजी एग्जाम्पल अगैन बालों में जो लाइट्स होती है जूम है ना वो कैसी होती है पैरासाइट एक बात बताओ किसी के बारे में अगर हो गई लाइसिस होता है ना कभी कभार डस्ट की वजह से स्वेट की वजह से जो स्पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं हेयर में लाइस हो जाती है तो अब वो लाइस क्या इंसान को मार देती है एक बात बताओ आपके जो किसी के हेयर में लाइस हो तो वो मर जाता है नहीं भाई वो बढ़िया जी रही हैं हम भी जी रहे हैं बस वो जो है हमारा खून चूस रही है यानी हमसे न्यूट्रिशन ले रही है तो लाइस क्या हुई पैरासाइट ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं और इंटरनल हमारे बॉडी में भी राउंड वर्म्स होते हैं कुछ फ्लैट वर्म्स होते हैं जो रहते हैं एज पैरासाइट्स और सिर्फ हमारी नहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में भी सो हु आर पैरासाइट्स या पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द होस्ट और होस्ट कैसा होता है भाई लाइफ होस्ट कौन नाम अरे ये कौन सी पार्टी हो रही है होस्ट यानी क्या होस्ट सुना है ना जो पार्टी होस्ट कर रहा है तो वैसे यहाँ पार्टी चल रही है दूसरे ऑर्गेनिज्म की और होस्ट जो है उसका न्यूट्रिशन जा रहा है ठीक है तो होस्ट लाइव यानी कि जिंदा होस्ट होना चाहिए जैसे अगर लाइस होगी तो जो लिविंग ह्यूमन है उसके सर में लाइस तो पैरासिटिक कहा जाएगा क्लियर अब आ जाओ होलोजोक होलोजो एक बहुत ही मजेदार है क्यों अरे हम तो बच गए अपनी बात नहीं करनी क्या हम किस में आते हैं ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स ये सब क्यों कौन से वैसे न्यूट्रिशन लेते हैं होलोजोइ और इसमें एक और बेहतरीन एग्जांपल है वैसे तो ये यूजुअली अपन एडवांस वाले जो मैमल्स वगैरह है वो लेते हैं बट अमीबा अमीबा नाम सुना है ना अमीबा भी लेता है होलोजो एक न्यूट्रिशन अब बोलोगे मैम इतना बोल रहे हो बता ही दो होलोजिक क्या है तो होलोजो एक न्यूट्रिशन ध्यान से सुनना इसमें जो हमने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था ना इसमें आते हैं स्टेप्स कैसी स्टेप्स यानी जो खाना होता है उसे इंजेस्ट करते हैं कुछ प्रोसेस होती हैं इंजेशन एसिमुलेशन एंड लास्ट में जो वेस्ट होता है उस खाने का फीसिस के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं तो इन सब मिली जुली प्रोसेस से जिसमें हम फूड को क्या करते हैं इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स वो होता है इज इट क्लियर नॉट बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश है मेरी समझे होलोजोइक क्या होता है जिसमें आप फूड पार्टिकल्स खाने के पार्टिकल्स हैं उसे इंजेस्ट करो मोस्टली ह्यूमन आप नाम लिखोगे और अमीबा भी इसमें आता है और अमीबा की कहानी जाननी है तो पिछले लेक्चर्स में जाके देख लो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ी है कहानी ठीक आ जाओ भाई अब तो केस सॉल्व मतलब हम जो थे ना केस सॉल्व करने के लिए ऐसा होता है ना अपन एविडेंस ढूंढने जाते हैं तो हम थोड़ी पीछे की कहानी बैक स्टोरी देख रहे थे अब हम वापस आ जाते हैं केस पे ठीक है कहानी देख ली हमने अब आओ यहाँ से शुरू करूं ए से क्योंकि अब डिफाइन करना है कौन सा क्या है तो ए से शुरू करते हैं A are the heterotrophs which get their food supply from dead or decaying organism. मुस्कान आ गई चेहरे पे. अभी पीछे बताया था. A क्या हो सकते हैं? Saprophytic. अच्छा भाई. I hope अभी जो अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था केस वन में समझ गए हो कैसे चलेंगे. कहानी को याद करना. अगर वेरिएबल्स हो तो उन्हें नोट करना. Then we will solve the five questions. Because अभी जितना टाइम केस को ऐसे ना एविडेंस ढूंढने में लगा है सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा ठीक ए तो हो गया चलो अब आ जाओ बी पे

शुरुआत वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई वॉज प्रेफरिंग कि थोड़ा आपको आइडिया दे दूँ अब आइडिया दे दिया तो थोड़ा टाइम देती हूँ ठीक है जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड मटेरियल को पहले ऑर्गेनिज्म बाहर ब्रेक डाउन कर देता है ध्यान से सुनो फूड को पहले बाहर तोड़ देता है और फिर एब्जॉर्ब करता है तो थोड़ा दिमाग लगाना भाई दिमाग लगाना आंसर आ जाएगा ये तो हमने आइडेंटिफाई कर दिए अब इसी के बेस पे याद करो ना सबकी कहानी मैंने तो थोड़ा रिकॉल करवाया था करो करो याद करो होपफुली आई गेस आ जाएगा आंसर चलिए योर टाइम्स अप लीव योर पेन छोड़ दो कोई बात नहीं अभी इधर आ जाओ चलो क्या बोला गया है जैसे मान लो मानना अभी है ना बिल्कुल ही मानना तो पड़ेगा कि या ये कोई ऑर्गेनिज्म है ठीक है बोलो कौन सा है अरे है ऑर्गेनिज्म में कोई बैक्टीरिया है मान लो अच्छा चलो भाई थोड़ा बैक्टीरिया जैसा ही बनाऊँ तो मानेंगे नहीं तो बोलेंगे मैम नहीं ठीक

मैक्सिमम जो ज्यादातर होते हैं ना ये बैक्टीरियाज होते हैं तो बैक्टीरिया हमें पता है कैसे होते हैं एक सेल वाले एक सेल वाले हैं तो इनकी बॉडी में अरे एक बात बताओ एक सेल है बॉडी में अंदर ऐसा कोई टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं सिंपल बॉडी है तो नाउ टू गेट द फूड इस खाने को अंदर लेने के लिए ये क्या करते हैं अंदर तो सिंपल फॉर्म में नहीं बना पाएंगे क्योंकि अंदर इतनी मैकेनिज्म नहीं है तो ये क्या करते हैं बाहर ही बॉडी के बाहर ही कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं अच्छे से सुनिएगा कॉन्सेप्ट है ना हर क्वेश्चन के साथ हर नई कहानी आती है तो अच्छे से सुनना देखो, देखो चैप्टर पढ़ लिया अच्छी बात है अपन ने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए नाउ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि पढ़ने के बाद हमें लगाने क्या है हमें सॉल्व क्या करने क्वेश्चंस है? करने हैं करना को। तो तोड़ने में काम करते हैं किस को तोड़ना है तो ना जैसे ये पत्ती पड़ी हुई है ये मर गई है तो बाहर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसको बाहर के बाहर एंजाइम रिलीज किए बाहर के बाहर ही ये सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं समझ गए कहानी ये बैक्टीरिया है इसने एंजाइम रिलीज किए और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको बाहर ही वही, बाहर ही 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 सिंपल सिंपल में कन्वर्ट कर दिया एंड जैसे इट कन्वर्ट्स इनटू ये जो बैक्टीरिया है ये कर लेगा इसे एब्जॉर्ब अब एब्जॉर्ब करेगा बोला तू तो सिंपल हो गया अब आजा मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है आई लेब्सॉर्ब यू ऐसे होगा न्यूट्रिशन कहानी समझ रहे हो अच्छा बोलो डिफरेंस क्या है अनलाइक इन आर बॉडी अपनी बॉडी में हम ऐसा करते हैं क्या हम ऐसा करते हैं कि मुंह से मतलब बहुत ही किसी के कि तो मुंह से निकलेगा ई यू मैम ये कैसी बात है हैं ऐसा तो नहीं है हम अपनी बॉडी से गैस्ट्रिक जूस डाइजेस्टिव जूस निकाल के बाहर खाने पे लगाते देन करते हैं नहीं नहीं आगे नहीं बोलूंगी कुछ भी ठीक तो हम क्या करते हैं हम तो फूड इनगल्फ करते हैं ना इन्जेस्ट करते हैं खाते हैं फिर अंदर काम चलता है ये क्या कर रहे हैं ये बाहरी एंजाइम छोड़ दे रहे हैं कि यार यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स यू गेट कन्वर्टेड इंटू सिंपल एंड देन एंटर माई बॉडी फिर मैं ऑब्जॉर्व करूँगा क्योंकि मैं सिंपल हूँ भाई मैं खुद ही इतना सिंपल हूँ यूनीलुलर

उन ऐसा लग रहा हाँ है कि यार नोट डाउन कर लो स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है, है, right, okay, है अपन को पूरा नहीं मिटारना था नहीं तो हम भूल जाएंगे कौन क्या था यहाँ फिर से लिख देती हूँ ए था बी था जहाँ तक मुझे याद है मुझे याद रहता है हाँ भाई पैरासिटिक और होलोज़ोइक इज इट क्लियर चलो ये कहानी चल रही थी एक्चुअली में इसको लिखे रहने देंगे अपन जब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे होलोज़ोइक ऑलराइट right, चलो व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बी ध्यान से देखना नॉट बी से बिलोंग कौन नहीं करता है ए यीस्ट बी टिनिया सी एस्केरिस डी कसकटा बी कौन है पहली बात बी बताओ बी है पैरासिटिक तो पूछ रहे हैं कि इन चारों में से पैरासिटिक कौन नहीं है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन नहीं दिखाता है चलो भाई देखते हैं ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग बिलोंग टू बी बी से नहीं करता है यानी चलो बी यहां बता दो ना ये देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करता है Yeast, tinea, ascaris, All right, enough time given, I guess. चलो, अब मैं पीछे क्या देखा था पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी पे फीड करते हैं है ना? होस्ट पे है, होस्ट पे। तो होस्ट पे जो करते करते हैं, हैं, तो जो अब इधर आइए जरा इधर आइए कुछ याद आया सेशन हमने देखा था टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम हो गया ये आ गया हमारा फ्लैट वॉर्म टीनिया फ्लैट वॉर्म अगेन वॉर्म हो गया ये भी बॉडी में रहता है टाइप का राउंड वॉर्म होता है Intestine में ऐसे noodles के जैसे प्लांट होता है। अमर बेल जिसे कहा जाता है, तो हमने पुराने सेशन में बहुत बढ़िया उसका एक ऐसा भी देखा था तो जाके देखना पुराने सेशन कर रही हूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं फुल वीडियो प्लेलिस्ट तो वो जाके देख लेना सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है बिल्कुल फ्री है ठीक चलो एनिमल्स और ये प्लांट का हो गया तो बोलोगे मैम एक ही तो नाम छोड़ दिया आपने एक ही तो नाम छोड़ दिया आपने क्या नाम छोड़ा है ईस्ट एग्जैक्टली ईस्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता है तो ये बोल दो टाटा बाय बाय ये क्या कर दिया मैंने क्रॉस क्रॉस यानी ये शो नहीं करता है मतलब हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए एंड इफ यू टेक ऑप्शन ए इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्लियर है आधा ही मिटाएंगे अपन क्योंकि आगे जाना है अपन को ऑल राइट right. क्वेश्चन नंबर चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ए बैक्टीरिया बी मशरूम सी अमीबा टी एलगी ऐसा लग रहा है मैंने ना जब पढ़ाया इधर पीछे तो आंसर्स भी बताई दिए जल्दी से टाइम दे रही हूँ इसका क्विकली आंसर जो है बताओ क्या हो सकता है अच्छा क्या है Holozoic mode of nutrition. Holozoic यानी वो जो सॉलिड फूड पार्टिकल को खाएंगे solid food particle, जैसे आप खाते हो या अभी शायद किस किसी के तो मुंह भी चल रहे होंगे खाते खाते हैं, ना? तो, solid food particles खाते हैं. अब इसमें देखो बैक्टीरिया होगा वो मशरूम होगा अमीबा होगा एल्गी होगा नाम तो क्लियरली दे दिया था बहुत ईजी क्वेश्चन है अच्छा इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज हमने कवर कर लिया है, है ना? इफ सम्मन स्टडीड दिस एंड जो है आपके वोटी ब्रिथ वगैरह में ही दिखता है फिर यहाँ तो ऐसा कोई नाम नहीं है, है ना समझ गए क्लियरली टोल्ड यू एक तो आप ह्यूम की नाम ले लेना है ना हमारे इंसानों में होता है एंड एक सिंपल वाला ऑर्गेनिजम है दैट इज हमारा प्यारा अमीबा प्यारा क्यों कहा क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आता है इसका स्ट्रक्चर बनाने में जैसा भी बना दो ऐसे बना दो ऐसे बना दो ऐसे बना दो जैसे भी बना दो ठीक मैंने ऐसे बनाया कुछ लोग ऐसे बनाते हैं वो लोग मैम फर्क क्या है कुछ भी नहीं <laughs> सबका अपना तरीका है बनाने का अमीबा ठीक है तो देखो अमीबा में मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगी जो होती है बाकी चीजें छोड़ देना यहाँ पे अंदर के कंटेंट नहीं अमीबा क्या करता है अब हमें पता है ये एक सेल का होता है यूनि तो इसके पास हमारे जैसे हाथ पैर तो नहीं है बट ये यहां से निकालता है अपने स्यूडोपोडिया ये अभी ऐसा ही है नॉर्मल देन यहां से देखना धीरे धीरे करके अब देखना कैसे है? तो देखने के लिए इधर आ जाओ ठीक जैसे मान लो ये है अपना अमीबा अमीबा लेकिन नाक बंद हुई थी अमीबा सुनाई नहीं दिया अमीबा और राइट ये मान लो अपना अमीबा है नाउ यहां से ये निकालेगा अपने फुट पैर निकालेगा किसको देख के निकालेगा यहाँ कुछ फूड पार्टिकल है फूड पार्टिकल अपन मना लेते हैं ऐसा ऐसा कोई फूड पार्टिकल है इसने इसको देखा है ना फूड पार्टिकल है तो इसके जो स्यूडोपोडिया है ना ये ऐसे फॉल्स फुट जैसे पैर नहीं मान लो जैसे यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और आपने यू करके उसे पकड़ लिया ऐसा होता है ना जैसे हम मच्छर को पकड़ते हैं ऐसे करके पकड़ लिया? तो वैसे ही अमीबा ने देखा अभी तो देखो जैसे मेरे भी हाथ मच्छर घूम हाँ लिया मानना नहीं है पकड़ लिया ठीक तो सिमिलरली अमीबा क्या करता है यहाँ पे फूड पार्टिकल है बाहर तो ऐसे अपना फॉल्स फूट बाहर निकालता है क्या बाहर निकलता है The word pseudo itself means false, false foot कहते हैं भाई इसे ठीक सीरो बाहर निकाल लेते हैं तो पता है निकालने के बाद कैसा दिखेगा ये देखो ये अपन और बिल्कुल कोशिश है कि सेम टाइप का अमीबा बने लेकिन वो बनता नहीं है कोई बात नहीं आ जाओ ये जो है इसने ऐसे फॉल्स फुट बाहर निकाल लिया और जो है इसने पूरी मतलब ना षड्यंत्र रच लिया कि इसको मैं दबोच लू अंदर ये ऐसा हो गया देखो ये ऐसा फुट निकाल लिया ऐसे ले लिया तो बोलो मैम फिर अरे फिर अंदर जाएगा फिर क्या होता है ये इसको अंदर ले लेता है ये पार्ट जो है ऐसे ऐसे अंदर हो जाता है पूरा ये अंदर हो जाता है ये यहाँ आके ऐसे ये एक फूड वैक्यूल रहता है ये एक फूड वैक्यूल रहता है और इसी के अंदर वो फूड प्रेजेंट रहता है तो अब वेरियस प्रोसेसेस चलती हैं इंजेस्टन होता है फिर एसिमिलेशन होता है फिर फूड डाइजेस्ट होता है फिर उसके बाद जो भी है वेस्ट बाहर निकलता है इज इट क्लियर ये समझ गए प्रोसेस होलोजोइक अमीबा में कैसे होगा तो आई होप वेरी वेल होप कि सही आंसर दिया हो ऑप्शन सी लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन करेक्ट रिगार्डिंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ए हेट्रोट्रॉप डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी बी फूड इज ऑप्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वाटोट्रॉप सी हेट्रोट्रॉप्स आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ फूड चेन और इज इट डी इट अकर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लैक्स क्लोरोफिल ओके ऑप्शन थोड़े जल्दी पढ़े मैं टाइम दे रही हूँ सॉल्व करके बताओ ये वाला तो बता दो चलो दिस इज अ गुड क्वेश्चन आपको क्या बताना है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो आराम से स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ जल्द कमेंट करके कैसे बताओगे नाइन में करके ऐसे आंसर बताओ बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन बाकी के तो फिर भी चलते हैं थोड़ा अपन ने समझ गए था ऑलरेडी बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इट इज पर्टिकुलरली अबाउट हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो जब तक पानी पीऊंगी तब तक बता दो जल्दी न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड चलो एक एक ऑप्शन पे आए एक एक ऑप्शन पे आते हैं ठीक है ऑप्शन ए विच मीन्स योर टाइम इज ऑलरेडी आप ओके योर टाइम इज आप सिर्फ ऑप्शन देखना क्या हेट्रोट्रॉप सोलर एनर्जी ट्रैप करते है, बोलते नहीं। energy, सही बात तो है। अगर सोलर एनर्जी सोचो हम जादू बन जाते कौन सा जादू अरे वही वो कौन सी मूवी थी कोई मिल गया कोई मिल गया वाला जादू नहीं होता ऐसे हाथ निकालता है और धूप करके एनर्जी आ जाती है पर हमारा ऐसा नहीं है हमें तो खाना खाना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है तो हम सन की एनर्जी को ट्रैप करके नहीं बना सकते खाना तो ये बात सही है अब सही है तो जल्दबाजी में टिक मत कर देना बिकॉज यू हैव टू टू मार्क द आंसर लेट्स कम ऑप्शन बी फूड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मोटोट्रॉफ ये भी सही बात है तो बोलोगे मैम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों लिखा है तो थोड़ी फूड चेन को याद करो फूड चेन क्या होती है इसको एक बार क्विकली से रिकॉल करते हैं फूड चेन वैसे तो आगे चैप्टर है अपना आर एनवायरमेंट तब के लिए हम पढ़ेंगे पूरी बात लेकिन अभी जस्ट एक क्विक जो है बिकॉज इस चैप्टर में बात करी गई है तो प्रश्न होगा दिमाग में फूड चेन बहुत ही सिंपल होता है देखो फूड चेन इज बेसिकली जो हमारा नेचर है उसमें खाना कैसे चलता आ रहा है अब खाना उठ के नहीं चल रहा है जैसे प्लांट्स है अब प्लांट्स होते हैं औटो हमें ये पता है ये बनाते हैं फूड इन्हीं के थ्रू इन्हीं के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म है छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक जैसे छोटे मतलब छोटी सी फिश मान लो बड़ा सा टाइगर मान लो इंसान मान लो एलिफेंट मान लो घूम फिर के जो है हम डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉप्स पे। सो फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो कोई इंसान नॉनवेज खाता है ठीक तो वो कहेगा हम कैसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं? तो देखिए है, मान लो आपने खाई आपने क्या खाई आपने खाई स्मॉल फिश ठीक आपने क्या खाई आप ह्यूमन हो यहाँ देखो स्मॉल फिश नहीं नॉर्मल फिश भाई स्मॉल फिश नहीं खाओगे okay. जैसे देखो यहाँ से कहानी शुरू करूंगी पर्पस है इसका एक आप ह्यूमन हो ठीक आप इंसान हो आपने क्या खाया आपने क्या खाया आपने फिश खाई ओके okay. जो लोग खाते हैं जो कंज्यूम करते हैं उनकी बात है आपने फिश खाई ठीक चलो भाई अब ये फिश इस फिश में जो न्यूट्रिशन था क्यों खा रहे हो फिश आपको प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होता है ना तो ये फिश जो आपने खाई है हेल्दी फिश है अच्छी वाली फिश लेके आते हैं बोलो मार्केट से जो भी कुछ भी लेना चाहते हैं हेल्दी लेके आना अच्छी दिखनी चाहिए तो यानी ये आपने खाई तो भाई इस बेचारी को जीने के लिए भी तो चाहिए कुछ इसको भी तो चाहिए कुछ न्यूट्रिशन तो इसने क्या किया ये रहती है एक्टिक लाइफ में इसने खा ली इससे छोटी फिशिज स्मॉल स्मॉल फिशिज होती है ना टाइनी टाइनी जो बर्थ भी लेती है या उसके एग्स होते हैं उस पर फीड किया मान लो ये जो बहुत छोटी फिशिज़ हैं इनने किस पे लिया कंजम्पन इन्होंने ले लिया एकुटिक प्लांट्स पे इन्होंने ले लिया एकवेटिक प्लांट्स पे इन्होंने ले लिया एक्वेटिक प्लांट्स या बीच में और स्टेज आ सकते हैं अपन सिर्फ इतना समझे तो देखो घूम फिर के कहानी कहाँ आ रही है प्लांट्स पे इससे आप और भी स्टेजेस ले लेते हैं ना तो भी घूम फिर के आप कहाँ आते प्लांट्स पे एक्वेटिक प्लांट्स बिकॉज ये भी हैं हाँ भले ही वाटर में है बट दे कैन ट्रैप सन की एनर्जी एंड दे कैन मेक फूड इज इट क्लियर और नॉट तो समझ गए फूड चेन कैसे चलती है तो फूड चेन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना फूड चेन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना ये जो चेन चलती है ना यहाँ पे नीचे यहाँ पे नीचे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स यानी क्या जो खाना बनाएंगे प्रोड्यूसर्स यानी क्या जो फूड बनाएंगे वो कौन होते हैं वो होते हैं प्लांट्स कह है लो या फिर और अच्छे से कहें तो ऑटोट्रॉप्स बिकॉज कीमोसिंथेसिस भी होता है कीमो तो है ना कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन तो अपन ऑटोट्रॉफिक लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स अब कंज्यूमर्स में भी टाइप्स होते हैं वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी भाई कंफ्यूज हो जाओगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो अपन आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कंज्यूमर्स कौन होंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा जितने भी मतलब वो सब मतलब वो सब जो है न्यूट्रिशन लेंगे वो सब जो हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेंगे वो किस में आ जाएंगे वो आ जाएंगे कंज्यूमर्स में तो हमेशा सबसे नीचे वाली बोलते हैं ना कि एक सीट तो फिक्स होती है अरे जैसे स्कूल बस में आते हैं तो सीनियर बच्चे होते हैं तो वो जगह फिक्स करके नहीं रख देते कि भाई ये सीट तो मेरी ही रही है तुम लोग को जहां बैठना है बैठो हाँ कभी तुम आगे बैठो पीछे बैठो लेकिन ये मेरी सीट फिक्स्ड है सबसे पीछे वाली तो सिमिलरली सबसे नीचे वाली सीट यानी सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो फिक्स किसके लिए है प्रोड्यूसर्स एंड हु विल बी द प्रोड्यूसर्स ऑटो किसकी बात चल रही है भाई फूड चेन की ठीक ये पॉइंट समझ गए ना तो ये दो जो आगे के पॉइंट्स हैं ना इनको आंसर करना इजी हो जाएगा व्हाट इज पॉइंट सी हेटरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ फूड चेन अब इन्होंने क्या लिख दिया इन्होंने लिख दिया जो फूड चेन होती है उसमें बॉटम नीचे पे हेटरोट्रॉफ होते हैं और जस्ट अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया सबसे नीचे कौन मिलेंगे सबसे नीचे मिलते हैं प्रोड्यूसर्स प्लांट्स यानी ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी देखो इट अकर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लैक क्लोरोफिल बिल्कुल सही बात है अरे भाई वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा जो ग्रीन कलर के नहीं होते देखते हो ना अलग अलग कलर के तो प्लांट्स होते हैं रेड कलर के होते हैं कुछ कुछ डार्क ब्राउन के होते हैं है ना कुछ कुछ देखते हो ना तो वो नहीं बना पाएंगे खाना क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस है तो सही बात तो है विच मीन्स ऑप्शन सी जो है ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन हमारे लिए सही आंसर यही है

इनमें से कौन सा है जो सैप्रोफिटिक नहीं है बस इतना बताना है क्लियरली दिया है देख लो थोड़ा टाइम दूंगी जल्दी से बताओ सो आई थिंक बता दिया होगा आंसर टाइम्स अप आ जाओ डू नॉट एग्जिबिट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईस्ट मशरूम मोल्ड्स ये तीनों दिखाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन और अगर ये याद नहीं हो तो इतना तो कह ही सकते हो यार यूगलीना की कहानी तो देखी है ना यूगलीना ग्रीन कलर का होता है यूगलिना ग्रीन और इसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल ये क्या कर सकता है ये कर सकता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है भाई ये अपना खाना ये जना खुद बनाते हैं यूगलिना का स्ट्रक्चर याद आया कि नहीं बिल्कुल आ गया है ना प्लाजला वगैरह प्रेजेंट था इज इट क्लियर समझ गए तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यूगलीना डो नॉट पॉजेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अब इस पूरे को खाली करते हैं आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट केस ठीक है बिल्कुल सूट अप हो जाओ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कोर्ट में और नेक्स्ट केस में केस नंबर थ्री बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्योंकि कोई ना कोई फ्लो चार्ट दिया है आ जाओ इस कहानी को भी देख लेते हैं केस थ्री ऑन योर स्क्रीन द ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर एनर्जी बाय डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस These processes may be aerobic or anaerobic depending upon the energy requirement of the organism and also the presence or absence of oxygen at the site of their occurrence. The given flow chart shows the three types of glucose breakdown in specific condition. समझे कि नहीं क्या है क्वेश्चन पहले तो आराम से इस केस को समझना क्योंकि फ्लो चार्ट है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आपको यहाँ पे कहानी दी गई है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे एनर्जी लेते हैं अलग अलग जो है हमें पता है बॉडी में बायोकेमिकल्स पाथवे या रिएक्शंस होती हैं अब उन्हीं रिएक्शंस में हमने देखा था कभी कोई रिएक्शन होगी एरोबिकली एरोबिक यानी क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कभी कोई होगी एन एरोबिक कंडीशन में यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो अच्छा ये सिर्फ इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट में भी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट यानी क्या जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत ही नहीं है उनको कम एनर्जी की लाइक फॉर इंस्टेंस सम सिंपल ऑर्गेनिज्म यीस्ट वगैरह यूनिसेलर है दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी लाइक ह्यूमस तो उनमें एन एरोबिक चलता है भाई ज्यादा तुम लोग टेंशन मतलब कि भाई कैसे चलेगा उसको कम एनर्जी चलती है ठीक है एंड वेन वी गो फ्रॉम लाइक लोअर टू हायर ऑर्गैनिज्म ह्यूमस अब हमें इतने काम करने हैं हमें एनर्जी चाहिए तब एरो का इम्पॉर्टेंस है क्लियर है यहाँ से कंटिन्यू करें दिस प्रोसेस में भी एरोबिक और एन एरोबिक डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज क्या अरे ग्लूकोज वो ग्लूकोन डिवेलन नहीं, नहीं। ग्लूकोज हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना उसमें जो हम फूड बोलते हैं या फिर आप बोलो कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बोलते हो तो इधर वी रिप्रेजेंट इट एज ग्लूकोज बिकॉज ये डिजोल्व फॉर्म सोल्यूबल रहता है हमारे ब्लड में तो इसी को लेते हैं ना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कुछ कुछ कंडीशन होती है तीन स्पेसिफिक कंडीशन देखी हैं तो उन्हीं की ज़रा हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में एक बार फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करो देन पीछे अपन रिकॉल कर लेते हैं ठीक समझ गया बिल्कुल आ जाओ फ्लो चार्ट है ना ये वाला फ्लो चार्ट देखो सबसे पहले सिर्फ फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करो एम्पल ऑफ टाइम दे रही हूँ क्या देखोगे ये ग्लूकोज है ठीक अब यहां कोई प्रोसेस चल रही है यहाँ आगे जा रहा है और यहाँ इसके ऊपर एरो के ऊपर लिखा है सी एरो के ऊपर क्या लिखा है सी यानी कुछ होगा सी अब इसके बाद क्या बन रहा है पायरुवेट प्लस एनर्जी क्या बन रहा है पायरूवेट प्लस एनर्जी ऊपर जाओ सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं ऊपर जाओ ऊपर क्या है एन एरोबिक

इसमें कुछ प्रोडक्ट बना है बी जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है और एनर्जी लास्ट वाले फ्लो चार्ट पे एरोबिक दिया है अब यहाँ फाइनली ऑक्सीजन देखने को मिला एंड नीचे दिया है ए बता दो भैया एरोबिक किधर होता है कहाँ देखने को मिलता है रिजल्ट तो हमें पता ही है सीओ टू प्लस वाटर प्लस एनर्जी बोलो मैम एनर्जी तीनों जगह है तो थोड़ा केस को हम याद करेंगे पीछे जाके तो समझ जाओगे कि एन एरोबिक में कितनी कम एनर्जी है और एरोबिक में कितनी ज्यादा एनर्जी है

किसी की बात करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि नहीं बताओ मुझे इतनी सी बात किसी को फ्रेंड बनाते हो या किसी की बात करते हो तो उसके बारे में थोड़ा जानते हो कि नहीं और राइट right. तो वैसे ही अब जैसे ये वीडियो मैंने शुरू की थी मेरे बारे में जाना कि नहीं ये चैनल के बारे में जाना कि नहीं थोड़ा बहुत है ना कि ये क्या है भाई ऐसे ही मैम का नाम क्या है इधर क्या क्या मिलता है एजुकेशन ठीक तो वैसे ही अब ग्लूकोज जब मैंने नाम लिया थोड़ा इमेजिन करूँ कौन सा कार्बन कंपाउंड है सो रिमेंबर ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड ये इसका फॉर्मूला है जो जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना जो जरूरी है उतना ही बता रही हो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला जानना आपके लिए जरूरी है ठीक तो इतना जानो क्या है ये सी सिक्स एच टिक्स विच मींस इट इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड इज इट क्लियर और नॉट चलो भैया आ जाओ इसका ब्रेकडाउन अगेन इसके ब्रेकडाउन में ये ऐसा नहीं है कि एक मैंने ऐसे तीर छोड़ा और इसका ब्रेकडाउन हो गया बहुत सारी प्रोसेसेस हैं बट हमें देखना है कि ये ब्रेकडाउन होके किस में बना है बहुत सारी स्टेप्स के बाद ये बन गया फाइनली ये बन गया पायरूवेट में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके किस में बन गया पायरुवेट में या फिर पायरुवेट का दूसरा नाम क्या है पायरुवेट का दूसरा नाम है एसिड बोलो मैम दूसरा नाम क्यों बिकॉज बायोलॉजी में दे लाइक टू कीप तो दो नाम रखना पसंद है तो पायरोट कह लो या फिर पायरोविक एसिड कह लो अरे आप लोग को भी तो होते हैं दो तीन नाम हुं? किसी का नाम हुआ जैसे आ, क्या नाम कह सकते हैं क्या नाम कह सकते हैं ऐसे नाम ही याद नहीं आएंगे अब जैसे किसी का नाम है मुस्कान ठीक है मुस्कान नाम ले लो तो उसको कितने नाम से बुलाते हैं भाई मुस्कु मस्की मुनमुन -मुन, कितने सारे नाम होते हैं तो वैसे ही यहाँ पे पायरोट है तो पायरविक एसेड कह सकते हैं कि नहीं अच्छा बोलो ये क्यों बताया बिकॉज इन क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ लेता है पायरोट आ जाता है पायरविक एसिड खत्म कहा नहीं मैम ये तो हमने देखा ही नहीं तो कौन सा एसिड है सो ये इसी का नाम है ये आपको याद रखना है ऑल राइट अगेन

अब आ जाओ कहाँ पे आओगे लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट क्यों आना है मैम तो सुनो ये जो कहानी चली थी ग्लूकोज से पायरुवेट की ये जो कहानी चली थी ग्लूकोज से पायरुवेट की ये हर बार चलती है साइटोप्लाज्म में बिल्कुल अच्छे से सुनना अच्छे से सुनना ये जो कहानी चली ग्लूकोज और पायरुवेट की ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना ये क्या है ये कहाँ चली कोई जगह तो होती है ना सेल में बोलो मैम सेल में ठीक है सेल में कहाँ सेल में ये चली है साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों कंडीशन कौन सी दो कंडीशन चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो तो भी ये कहानी चलती रहेगी साइटोप्लाज्म में क्या बोला अगर ऑक्सीजन हुई तो भी साइटोप्लाज्म में ये काम होगा ऑक्सीजन नहीं हुआ तो भी ये काम होगा तो बोलो फिर मैम एरोबिक एनारोबिक का काम कहां इसके बाद होता है ना किसी का फेेट डिसाइड होता है कि क्या होगा आगे मतलब अपन जैसे बताती हूँ मैं तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आप स्टैंडर्ड में हो तो आपको इलेवंथ में क्या सब्जेक्ट रहना है तो आपका फेट डिसाइड करेगा जैसा आप एग्जाम दोगे अच्छा करोगे कि नहीं तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा राइट, तो सिमिलरली ओवर हेयर एसिड ये जो बना है इसका फेट डिसाइड होता है कि अब हवा है या नहीं है तो एक कंडीशन तो इधर आ जाओ जब हवा नहीं है जब एयर नहीं है तो देखो क्या होगा जब एयर नहीं है तो क्या होगा तो यहाँ पे मैं बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बताऊँगी आपको क्या एन एरोबिक एन एरोबिक कंडीशन है ये बच्चों एन एरोबिक कंडीशन है और ये कहाँ हो रही है किसी चीज़ की लोकेशन भी तो होती है ना जैसे हमने देखा ये साइटोप्लाजम में हो रही है तो ये भी ये भी साइटोप्लाजम में होती है ठीक एन एरोबिक कंडीशन अब दो एरो इसलिए बनाए हैं देर इज़ अ रीज़न बिकॉज एक एक्टिविटी चल रही है एक एक्टिविटी चल रही है यीस्ट में

ना लेट पहुंचे स्कूल में तो पीटी वाले सर ने राउंड लगवाए ग्राउंड के ऐसे लगोगे तो क्या होता है तब प्रॉपर सांस नहीं लीना तो मसल्स जो हमारी होती है ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा तो उसकी जगह क्या होता है एनर्जी और सीओ बनने की जगह क्या बन जाता है लैक्टिक एसिड तभी तो कहते हैं अच्छे से सांस लिया करो इतने योगा के इतने सारे आसन होते हैं क्यों किया करो ताकि ये एसिड नहीं बने हमारे मसल्स में और राइट right? तो अब अगर ये प्रोसेस समझे हो तो जरा ऐसे मुंह हिलाओ ठीक समझ गए ऐसे ऐसे ओके यस चलो इधर आ जाओ अब मेरा मेन पर्पस क्या है ये बताने का यहाँ पे अब एनर्जी की बात सुनो पीछे कह रहे थे मैम एनएरोबिक में भी एनर्जी आ रही है एरोबिक में भी एनर्जी आ रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है अभी एक बात बताऊंगी तो तुम लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगेगी देखो जब ग्लूकोज पायरोट में बदलता है ना और ये जो एन की कहानी है इस पॉइंट पे अच्छे से सुनना बहुत ही अपन ना हाईलाइट करके इस इस पॉइंट पॉइंट को लिखते हैं कि इस पे बनती है सिर्फ तो क्या बोला मैंने क्या समझे ए क्या है भाई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एनर्जी अरे जो एनर्जी हम बनाना चाह रहे हैं उसी एनर्जी को तो रखना है हमें एनर्जी रिलीज करके स्टोर करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो ये जो लेफ्ट साइड में प्रोसेस चली है ना एन एरोबिक वाली इसमें बनी है दो एटीपी एनर्जी तो अब कुछ बोलेंगे ठीक है मैम तो ज़रा इतना बताइए वहाँ कितनी बन रही है पाँच छः सात आठ नौ दस चलो दस तक बन रही होगी है ना दस नहीं चलो पंद्रह तक देखो आ जाओ इधर अब आ जाते हैं कौन सी कंडीशन पे एरोबिक कंडीशन पे आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है देखो तो क्या होगा ये जो पायरुवेट है ये किस में बदल जाएगा ये बदलेगा CO2 टू प्लस वाटर प्लस अब यहां मैं लिखना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल लिखूंगी मैं यहां पे क्या लिखूंगी यहां मैं लिखूंगी एनर्जी मैम पीछे क्यों नहीं लिखी थी बिकॉज यहां लिखने का पर्पस है अरे वजन तो होना चाहिए किसी चीज में यहां की एनर्जी देखो कितनी होगी यहां पे एनर्जी रिलीज होगी थर्टी सिक्स ए समझ रहे हो डिफरेंस दो एटीपी और थर्टी सिक्स ए कितना फर्क है मतलब इस प्रोसेस में ना कि कोई एनर्जी है ही नहीं रिलीज ये तो दो एटीपी टी ग्लूकोज से पायरुबेट तक बदलने में हुई है तो टोटल जब मैं बात करूँ टोटल मिला के अगर सिर्फ एरोबिक की बात करो तो ये थर्टी सिक्स और टू मिला के क्योंकि ग्लूकोज से पायरोट में तो हर जगह बदलेगा ग्लूकोज से पायरोवेट में तो हर जगह बदलेगा ना हो अब जगह जब ये इधर जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो टोटल कितना हो जाएगा थर्टी एट ए टी पी इज इट क्लियर अट तो डिफरेंस समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो डिफरेंस कितना है दो ए सिर्फ यहाँ बनी वहाँ थर्टी जरूरी है कि नहीं तभी तो जब सांस नहीं ले पाते हो इतनी कम होती है तभी तो बोलते हैं ना फटीक जैसा लग रहा है या कुछ कुछ तो भाई बच्चे धूप में खड़े रहते हैं असेंबली में और वहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं क्यों गिर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी सही से लैक्टिक एसिड बन रहा है बॉडी में है ना इतना सह नहीं पा रहे आप एनर्जी रही नहीं तो गिर गए वहीं लुढ़क गए भाई अच्छा बोलो कि मैम यहाँ साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ध्यान से सुनना एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है हमेशा कहाँ पे ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा पावर हाउस होता है ना सेल का हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में इज इट इज्लियर देख लो इस प्रोसेस को एक बार क्विकली से रिकॉल कर लो देखें अपन कुछ छुटा तो नहीं नहीं भाई सारी बात हो गई है दो एटीपी की बात है ये तीन कार्बन का कंपाउंड बना है इधर थर्टी सिक्स ए बना है टोटल मिलाओगे तो थर्टी एट है यहाँ तक थर्टी सिक्स मान के चलो क्लियर आ जाओ इधर अब क्विकली आई थिंक ये वाली जो बातें हैं ये समझ सकते हो इसको ना अपने काम करेंगे एक जगह लिखते हुए चलेंगे एक जगह किसको ए बी सी डी ये सब जो है इनको लिख देते हैं और देन हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है ये सी डी बी और ए इस मेथड में है ये तो बताओ सी क्या होगा ग्लूकोज से पायरोट में कन्वर्ट हो रहा है सी यानी कहाँ हो रहा था ये देखो चीटिंग करा देती हूँ ना मैं क्लियर लिख ले ली ये यह देखो यहाँ मैंने नाम लिखा है ना ये प्रोसेस कहाँ हो रही है हमेशा ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म में ठीक मतलब सी तो हो गया साइटोप्लाज्म अब आ जाओ इधर पे डी क्या है एनएरोबिक एनएरोबिक कंडीशन कहाँ हुई जहाँ अल्कोहल बना था वो था मैम यीस्ट यीस्ट में याद आया अल्कोहल बनना फर्मेंटेशन होना देन नीचे आओ एनएरोबिक कंडीशन मसल सेल में जब ऑक्सीजन नहीं हो

क्वेश्चन नंबर इलेवन यानी जो केस हमने देखा है उसका तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सडन एंड स्ट्रेनस एक्टिविटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बी इन अवर मसल विच कॉजस क्रैम्स आइडेंटिफाई बी आई होप ये देख पा रहे हो इसको मैंने पढ़ दिया है इसको थोड़ा तो अपन तो खिसका भी के भी लिख सकते हैं बट ठीक है अब समझ जाओ और राइट right. चलो ये डी को थोड़ा आगे करके लिख देती हूँ डी क्या है यीस्ट है और ये ये पूरा ही चला जाएगा डी क्या है यीस्ट है अपन यीस्ट को थोड़ा आगे करके लिख देते हैं तो क्या है थोड़ा

I'll गिव यू इनफ टाइम एंड हाउ विल यू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन लाइक दिस मुझे दिखेगा कैसे भाई देखो एक तो होता है आपको क्लास में टीचर को जैसे बताते हो आंसर अरे मैं भी तो टीचर हूँ ये भी तो क्लास है कैसे चलेंगे अपन कमेंट्स में बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर जैसा हो जैसा हो ऐसा मत सोचो कि भाई बिल्कुल सही होगा हो सकता है गलत हो कोई बात नहीं जल्दी बताओ और इधर तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है भैया कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था ना सो आई होप द आंसर यू हैव गॉट

काम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर इज इट अ फाइव कार्बन मॉलिक्यूल सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल थ्री कार्बन मॉलिक्यूल और फोर कार्बन मॉलिक्यूल पायरोट क्या है भाई बताओ पीछे बताया मैंने ग्लूकोज को तोड़ के क्लियरली मैंने बता दिया कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है तो उतना उतना मैं बता दे रही हूं। जल्दी बताओ कितने कार्बन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है कार्बन का कंपाउंड है चलिए क्लियरली हमने देखा था की सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये क्या था ये था ग्लूकोज कैसे देखोगे कार्बन बहुत आसान है ये जो कार्बन लिखा है ना इस पे छह नंबर दिख गया ये जो कार्बन लिखा है इसप सिक्स नंबर दिखा सो दिस सिक्स कार्बन कंपाउंड नाउ की बात है यू आर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सिंपल तो यानी से हमने किस में तोड़ा तीन में तो फॉर्मूला भी बता ही देती हूँ अब कोई बात नहीं अगर किसी को फिर डाउट रह जाए तो ले लो जो लेना चाहता है फॉर्मूला ले लो पायरोट का सी थ्री एच फोर ओ थ्री ये होता है पायरुवेट सी सिक्स क्या था ये था हमारा ग्लूकोज और पायरोट भी रख लो भाई

East में जो एनबिक ब्रेक डाउन हो रहा है पीछे नाम ले दिया था मैंने एक कि इस टर्म को एक नाम देते हैं वो वो कुछ नहीं होता वो सिर्फ anaerobic breakdown होता सिर्फ है anaerobic respiration. तो क्या कहते हैं उसे अरे अगर इसका नाम नहीं भी पता हो ना तो बाकी तीन के नाम तो आपको पता ही है समझ जाओगे आइडेंटिफाई कर पाओगे कभी कभार अगर ऐसे बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए या डब्बा कर देना चाहिए तो वैसे इसे मिला हो सकता है कभी कभार एग्जाम में नाम नहीं याद आ रहा हो तो यार बेसिक चीज़ें तो याद होती है यू कैन गो ऑन विद द एलिमिनेशन मेथड इज इन डिट एलिमिनेट कर दो पता है ये तीन तो होंगे ही नहीं तो एक बचेगा अब इससे ज़्यादा हिंट मैं क्या दूँ चलो आ जाओ अब ये टाइम्स आप आ जाओ एन एरोबिक ब्रेक डाउन एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था हमने यहाँ पे इधर आओ देखो इधर लेफ्ट साइड में देखा था कि नहीं यहाँ पे एन एरो दो कंडीशन थी एक तो भाई मसल सेल्स को साइड में रखो एक इसकी बात करी यीस्ट की यीस्ट में हमेशा एक हम पढ़ते हैं चीज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट यीस्ट इन इससे हम बना रहे हैं क्या Ethanol. Ethanol क्या इथेनॉल इथेनॉल है कुछ नहीं है भैया ये अल्कोहल है ये क्या है एल्कोहल एल्कोहल का फॉर्मुला लेना है तो ये भी ले लो सी टू एच फाइव ओ एच केमिस्ट्री पढ़ते हो हेल्पफुल रहेगा रिकॉल हो जाएगा ठीक एल्कोहल क्या होता है सी टू एच फाइव ओ एच या इथेनॉल कह सकते हो फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट करने से इथेनॉल बनता है फर्मेंटेशन कितनी बार वर्ड आया था कुछ नहीं है आज समझ गए थे ये जो है ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में और पायरोवेट का इथेनॉल में कौन सी कंडीशन में एन यानी ऑक्सीजन नहीं है उसी को सिंपली एक नया नाम दे दिया फर्मेंटेशन तो क्या नाम बोल दिया फर्मेंटेशन ऑप्शन बी और दूसरी बात मैंने क्या कही चलो ये नाम हो सकता है कि दुखे को याद नहीं हो डाइजेशन ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन अरे ये तो पता ही है ना आपको ये कितने टाइम से पड़ते हो डाइजेशन तो खाना होता है ट्रांसपरेशन तो लीव से जो वॉटर वेपर के थ्रू पानी बाहर निकल रहा है और रेस्परेशन तो हमें पता ही है तो फर्मेंटेशन बोल सकते हो इज इट क्लियर नॉट चलो भाई तो विच मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एन एरो प्रोसेस प्रोसेस ए प्रोसेस सी प्रोसेस डी और बोथ बी एंड सी वट इज अ क्वेश्चन ये जो प्रोसेस हमने देखी है इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो दोनों का पार्ट है यानी वो एन एरोबिक का भी पार्ट है एरोबिक का भी पार्ट है ऐसी कौन सी प्रोसेस है तो ये प्रोसेस देख लो जरा प्रोसेस सी है डी है बी है ए है कौन सी प्रोसेस है अच्छा इसके लिए एक मैं सोच रही हूँ वापस से फ्लो चार्ट दिखा दूँ ये देख लो चलो ये प्रोसेस देख लो ये प्रोसेस चली है एक ये प्रोसेस है एक ये प्रोसेस है एक ये प्रोसेस है बता दो आंसर थोड़ी देर फ्लो चार्ट दिखाऊंगी ये भी हटा देती हूँ दिखाऊंगी फिर आगे आ जाऊंगी इज इट क्लियर आ जाऊं क्वेश्चन पे चलो भाई कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन था ना हाँ आ जाओ अब बताओ ए सी डी या बी तो देखो इधर आओ यहाँ पे बीच में एक जो मैंने लिख रखा था क्यों मैंने आधा इधर भी आधा इधर भी मजा नहीं आ रहा था पर्पसली लिखा था ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में चलेगी ग्लूकोज से पाइरोवेट का बदलना हर कंडीशन में चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो तो इस प्रोसेस का फ्लोचार्ट में नाम दिया हुआ था सी इस प्रोसेस का फ्लोचार्ट में नाम दिया हुआ था सी सो व्हाट वी कैन से प्रोसेस सी इज दैट प्रोसेस विच इज पार्ट ऑफ बोथ गया, अब आ जाओ आई होप बिल्कुल ना अब तो ऐसा लग रहा है यू केस सॉल्व कर दो और केसेस बचे हैं अच्छे से करना सॉल्व। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस बाय एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर

और इनकी कहानी से भी जब मैं देख पा रही हूँ तो कही न कहीं ना कहीं प्लांट्स की कहानी है वाटर वेपर की कहानी है तो चलो भाई ए क्या है इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इतनी सी लाइन से ही समझ जाओगे इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स नंबर वन वॉट इज इवेपोरेशन इवेपोरेशन एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है पढ़ते हो केमिस्ट्री में है ना कोई भी लिक्विड जब गैस में बदले कोई भी लिक्विड अरे पानी उबलता है पानी उबलता है ना देखते हो तो लिक्विड है ऊपर कैसे भाप निकल रही है वो भाप क्या होती है गैस होती है सो so वाटर किस में बदल गया वाटर वेपर में अरे ऐसे पानी का बर्तन है ऐसे 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 डांस करते हो जाता है कि नहीं पानी तो वो वाटर पेपर हो गया उस प्रोसेस को क्या कहते हैं इवेपोरेशन अब प्लांट्स में थोड़ा याद करिए प्लांट्स में जो वाटर लॉस का प्रोसेस है प्लांट्स में वाटर लॉस का प्रोसेस है लीव्स के जो टोमेटा खुलते हैं यहाँ पे वाटर लॉस होता है ये वाटर लॉस किस फॉर्म में होता है क्लियरली बताया है ये होता है वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस ये होता है वाटर वेपर गैस फॉर्म में लॉस तो इस प्रोसेस का नाम क्या है वेरी सिंपल दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपरेशन ए इज अचीव कितना सिंपली अब नेक्स्ट आ जाओ मोस्ट ऑफ द वॉटर इज लॉस्ड बाई एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन फॉर्म ऑफ वाटर इट अगज मेनली थ्रू द पोर्स कॉल्ड बी इन द लीव बोलते बोलते मैंने बी का नाम ले ही लिया तो ये बी कौन है कौन से पोर्स होते हैं प्रेजेंट एरियल पार्ट्स में तो क्लियरली मैम हमने पढ़ा है स्टोमेटा ऐसे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये सारे काम होते हैं क्लियर है अब जब स्टोमेटा ट्रांसप्रेशन आया ही है तो आ जाओ जरा कहानी को याद कर लेते हैं कहानी क्यों याद करनी है अच्छा पर्पज है अगेन वही बोला ना केस सॉल्व करने से पहले जाते नहीं है कि जहाँ पे कहानी शुरू हुई थी मान लो कोई यूपी वगैरह का केस है तो वहां पे हम जाएंगे अच्छा फिर वहां पता चला? नहीं, नहीं. ये तो जो है महाराष्ट्र की कहानी थी इसके रूट्स महाराष्ट्र से हैं तो वहां जाती है पुलिस इज एंड तो जब मुझे याद आया कि तो प्लांट्स की कहानी है स्टोमेटा की कहानी है तो आ जाओ जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं स्टोमेटा क्या था हमारा ओपनिंग होती है अपर्चर होता है ये किससे सराउंडेड रहता है ये सराउंडेड रहता है हमारे गार्ड सेल से हमारे नहीं भाई हमारे सेल्स थोड़ी ना है ये।, ये तो लीफ में होते हैं भाई मैम तो बिल्कुल सही बात है हमारे गार्ड सेल्स क्योंकि देखो ना राजमा शेप जैसे दिखते हैं किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर्स कौन है ये अरे ये वही है गार्ड सेल्स अब इनमें ऐसे अपन मायोफाइब्रिल्स बना देते हैं इनमें अपन ऐसे 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 करके मायोफाइब्रिल्स बना देते हैं ध्यान देना इन्हें स्टोमेटा नहीं कहते हैं ना कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है आज ही वो कन्फ्यूजन दूर कर देना दीज आर नॉट स्टोमेटा अरे भाई स्टोमेटा तो ओपनिंग का नाम है स्टोमेटा ओपनिंग का नाम है जैसे घर का दरवाजा होता है अब आपने जो है वो दरवाजा है वो दरवाजा आपने खोला अंदर जाओगे तो ऐसा तो दरवाजे से होते हुए जाओगे ये जैसे गार्ड सेल्स दीज आर लाइक डोर और एक्चुअल ओपनिंग जो है स्टोमेटा आप इसको कहते हो क्लियर है ये तो गार्ड सेल्स हैं इन्हें गार्ड करते हैं नाउ एक बहुत ही ब्यूटिफुल फूल जैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी कैसा बनाऊंगी देखना ऐसे फूल जैसा दिखेगा आपको ठीक है किससे बनाए आ जाओ भाई ये क्या होती हैं ये होती हैं इसको सराउंड करने वाली आस पास देखो गार्ड सेल्स होती हैं इनके आस जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उन्हें हम यूजली कहते हैं एक्सेसरी कह लो या फिर सब्सिडरी सेल्स कहते हैं ठीक पड़ा होगा इनके बारे में ऐसा लगता है कि फ्लावर बनाया हो ठीक तो ये क्या हो गई ये हो गई हमारी सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड ये जो है ये है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट गार्ड सेल्स क्योंकि खेल इन्हीं का है खेल इन्हीं का है इन्हीं की बोलो मैम कौन सा खेल अरे वो जो स्टोमेटा खुलता और बंद होता है ना ये इन्हीं की मदद से है वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला तो ध्यान से सुनना ये जो ओपनिंग है अगर मैं सिर्फ एक ओपनिंग की बात करूं तो बेटा इसका नाम होता है स्टोमा ध्यान से सुनना बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस स्टोमा नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई नया टर्म है बिकॉज बचपन से क्या सुनते आ रहे हो स्टोमेटा स्टोमेटा अरे प्लूरल और सिंगुलर का खेल है प्लूरल और सिंगुलर का खेल है एक वचन बहुवचन होता है ना जैसे सो स्टोमा इज सिंगुलर नेम स्टोमा इज सिंगुलर नेम फॉर स्टोमेटा एक ही बात है तो अगर ये सुनने को मिल गया तो घबरा मत जाना ठीक है तो ये जो ओपनिंग है ये है स्टोमा इज इट क्लियर अच्छा भाई अब मैं बात कर रही थी गार्ड सेल्स की मैं किसकी बात कर रही थी गार्ड सेल्स की बात कर रही थी तो ज़रा बता देती हूँ क्या कहानी होती है होता क्या है टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे ही नहीं खुल जाता है वो जैसे आपको दरवाज़ा खोलना बंद करना है तो वैसे आपको हाथ से ऐसे ही ठंडना है ऐसे ही खुल जाएगा बिल्कुल हाँ वो अलग है मैकेनिकल वाले जो आ रहे हैं आजकल ऑटोमेटिक नहीं नहीं अपन एकदम देसी दरवाजे की बात कर रहे हैं ऐसे पकड़ के खोलना पड़ता है और ऐसे बंद करना पड़ता है तो ये आपने हाथ लगाया ना हैंडल पर खोल रहे हो

क्या बोला मैंने ये सब्सिडरी सेल से होते होते पानी अंदर आ गया ठीक है यहाँ से जो है पानी अंदर आ गया ना ये जो पानी अंदर आया है ये गार्ड सेल्स की जो वॉल्स है इन पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा कैसा प्रेशर तो जैसे होता है कभी कभी किसी कोई पन्नी होती है, है ना कोई पॉलिथिन है पॉली बैग है कुछ भी है है ना कोई ऐसा कंटेनर है प्लास्टिक की पन्नी तो नहीं प्लास्टिक तो छोड़ दो अपन पेपर बैग ही समझ दो ठीक है आपने पेपर बैग को लिया उसमें बहुत सारी चीजें भर दी तो क्या होता है एक वेट से ज्यादा भरते हो तो ऐसा होता है ना उसकी वॉल्स पे प्रेशर आता है तो वो फट जाती है पन्नी फट गई बोला अरे बापरे कैसे ले जाऊंगी अब सामान तो कैसे फटती है वो क्योंकि जो सामान अंदर डाला है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इज एन डेयर सो सिमिलरली जब ये वाटर अंदर आया है ये गाच सेल्स हैं ये वाटर इन गाच सेल्स पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है पानी भरता जा रहा है प्रेशर एग्जर्ट करता जा रहा है प्रेशर की वजह से पता है क्या होता है ये जो वॉल्स है ना एक वॉल सोचो मान लो ये अभी बंद है ये वॉल इधर प्रेशर एग्जर्ट करी ये वाली इधर तो ये धीरे धीरे ओपनिंग खुल जाती है समझ गए प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सिंपली आज एक एग्जाम्पल लेके देखना कोई भी पेपर बैग ले लेना और उसमें भरते जाना सामान भरते जाना भरते जाना और उठा के देखना फट जाएगा वो क्यों फटेगा क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट हुआ तो सिमिलरली यहाँ पे जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो चीज खुल जाती है इज इट क्लियर और नॉट तो ये ऐसे खुलता है स्टोमेटा बंद कैसे होगा सिंपल सी कहानी है पानी जब बाहर चले जाता है अच्छा ये तो बोलना ये बोलना बहुत ज़रूरी था प्रेशर एग्जर्ट होता है तो बार बार मैं एक नाम ले रही हूँ प्रेशर तो कुछ तो नाम होगा मैम बिल्कुल इसी प्रेशर को कहा जाता है क्या टर्गर प्रेशर इसी प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर और यही प्रेशर यही प्रेशर हमारे गार्ड सेल्स को क्या बना देता है अरे हमारे नहीं लीफ के गार्ड सेल्स को क्या बना देता है टर्जिड क्या बना देता है टर्जिड टर्जिड यानी ऐसे बहुत ही कड़क हो जाते हैं इतना पानी भर जाता है इनमें इज इट क्लियर नाउ वॉट हैपन्स अब दूसरी उल्टी कहानी क्या चलेगी बस पानी बाहर चला गया मान लो अब पानी वापस चला गया सब्सिडरी सेल्स में तो पानी गया तो ऐसे फुस से हो जाते हैं और ये कैसे हो जाता है जैसे बलून होता है बलून से बाहर निकाल दो हवा ऐसा हो जाता है तो ये वापस से फ्लैसिड होते हैं और ये ओपनिंग बंद हो जाती है तो ऐसे रेगुलेशन होता है वाटर वेपर या गैश एक्सचेंज होता है तो ये खुलता है क्लियर हुई कहानी की नहीं अच्छा अब इसमें क्विकली से बिकॉज क्वेश्चन में ये चीजें आ सकती हैं तो मैं बता रही हूँ ठीक आगे फिर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा स्टोमेटा जो है लीफ के सरफेस पे जैसे ये लीफ है पहले भी रिकॉल करवाया है लीफ जो होती है लीफ का मान लो ये टी है टी है यानी क्या ट्रांसवर्स सेक्शन है तो ये अपर वाला लेयर है अपर वाला एपिडर्मस है ये लोअर है तो लीफ का हमेशा लोअर जो होता है ना साइड लोअर एपिडर्मस पे क्या प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा ध्यान से सुनना क्या बोला लीफ का जो लोअर एपिडर्मस होता है वहां पे क्या दिखता है हमेशा स्टोमेटा यानी ऊपर नीचे उपर, नीचे नीचे ऊपर तो दिखता है ऊपर नीचे नहीं ऊपर नहीं दिखेगा सिर्फ नीचे दिखता है फिर से बोलू फिर से बोल देती चलो भाई ये है, ये लीफ 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 है है को ऐसे ट्रांसफर सेक्शन किया अपर एपिडर्मस लोअर एपिडर्मस स्टोमेटा हमेशा कहाँ दिखेगा लोअर एपिडर्मस पे क्लियर हो गई कहानी चलो भाई अब केस से हम हो गए थे हम कहा आए थे महाराष्ट्र आए थे ना केस सॉल्व करने के लिए अब केस सॉल्व हो गया तो अब हम कहाँ जा रहे हैं वापस जा रहे हैं अपने स्टेट में है है ना पुलिस अपने स्टेट में वापस जा रही है। आ जाओ भाई देखते हैं क्या कहानी थी तो बी की कहानी भी हमने देख ली फॉलोइंग फैक्टर तो पहले, so, पहले तो देखो ट्रांसपरेशन तो पूछा जा रहा है इन सब से कौन सा फैक्टर ट्रांसपुरेशन को अफेक्ट करेगा अफेक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर असर होगा A, temperature, B, waxy coating बी leaves, C ऑन speed, सी विंड स्पीड these. इजी क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है Transpiration के रेट पे Transpiration यानी क्या लॉस ऑफ in फ्रॉम form इन water पेपर तो क्या क्या effect पड़ेगा किस से इफेक्ट पड़ेगा या तीनों से ही पड़ेगा ओके okay. चलो भाई आ जाओ टेम्परेचर वैक्सी कोटिंग विंड स्पीड बहुत आसान क्वेश्चन था इस पर टाइम पीछे ही देख ले नहीं कर सकते टेम्परेचर अफेक्ट करता है ट्रांसपरेशन की रेट को इज इट यानी जिस दिन गर्मी वाला दिन ज्यादा होगा धूप ज्यादा होगी तो क्या होगा गर्मी ज्यादा होगी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका ट्रांसपरेशन भी होता जाएगा उतना ही वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स वैक्सी कोटिंग कौन सी होते हैं लीव्स पे क्यूटिकल कौन सी क्यूटी मैम अरे क्यूटिकल है भाई ये पूरा नाम है क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग की जो होती है वैक्सी कोटिंग से क्या होता है वैक्सी कोटिंग ज्यादा प्रेजेंट होगी तो लॉस ज्यादा नहीं हो पाएगा कैसे अरे ये वैक्सी कोटिंग होती क्यों है वाटर लॉस से बचाने के लिए ये जो कोटिंग होती है ना लीफ के ऊपर एपिडर्मस के अभी बना ही नहीं थी मैंने बना देती हूँ ये इसके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट रहती है ये होती है क्यूटिकल की तो ये क्या करती है वाटर लॉस से बचाती है तो हो सकता है अगर ये लेयर ज्यादा हो या ज्यादा थिक हो तो ट्रांसपरेशन कम होगा तो मतलब दूसरा भी इफेक्ट कर रहा है तीसरा विंड की स्पीड तो बिल्कुल करेगी ना अफेक्ट जैसी हवा चलेगी उस हिसाब से ट्रांसपरेशन रेट अफेक्ट होगा विच मीन ऑप्शन डी

ए इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट ये पता है क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन है याद है एक वर्ड हमने देखा था एक वर्ड तो नहीं एक्चुअली एसेंट ऑफ सैप नामक चीज देखी थी उसमें याद है ट्रांसपरेशन पुल ये आपने वैस्कुलर सिस्टम में देखा था जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ट्रांसपरेशन पुल नामक एक चीज थी जिसके थ्रू जो है एक ऊपर से ऊपर से पुल आता है ऊपर कहा मैम अरे उधर ऊपर वाला माला नहीं नहीं

विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बी बी क्या है स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कोई एक स्टेटमेंट सही है वो बताओ ऑप्शन ए इट इज गार्डेड बाय अ पेर ऑफ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड गार्ड सेल बी दे आर अबंडफेस ऑफ लीव स्टेम एंड रूट्स सी दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपरेशन ओनली डी इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिन एंड वेरी इलास्टिक चलो बताओ बताओ इसमें टाइम दूंगी ये सोच लो ये अच्छा क्वेश्चन है ये बता सकते हो आंसर इसका बी स्टोमेटा की कहानी थोड़ी बहुत तो पीछे बता दी थी तो उससे तो कुछ कुछ बता ही दोगे कुछ क्या पूरा आंसर ही बता दोगे और जहाँ कन्फ्यूजन आता है वहाँ मैं बताऊँगी हो सकता है डी ऑप्शन में कन्फ्यूजन आए कि ऐसा क्यों है मैम तो वो मैं बताती हूँ ओके बी के लिए ट्रू कौन सा है सही स्टेटमेंट बताना है सो वी ऑब्वियसली नो स्टेटमेंट ए पढ़ो

दे आर इन्वॉल्ड इन ट्रांसफोरेशन ओनली बिल्कुल गलत गैशे एक्सचेंज होता है, है मेन तो भैया वो भूल गए ट्रांसफोरेशन में थोड़ा ना होता है सिर्फ ना दिस इज अ पॉइंट पिच वी कैन यू नो गो अब डीप इन टू इनर वॉल ऑफ गाथ सेल्स थिन एंड वेरी इलास्टिक क्या बोला है इनर वॉल ऑफ गाट सेल्स थिन एंड वेरी इलास्टिक इनर वॉल क्या होती है बेटे देखो इनर वॉल ये जो गाट सेल्स हैं ना इनकी इनर वॉल यानी क्या अंदर वाली वॉल तो ये देखो ये गाज सेल्स हैं अभी मैं बना रही हूँ अभी देखते जाना ये कैसी बनाई है मैंने बहुत थिक बनाई है तो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स अंदर साइड से अरे भाई है एक ही सेल है एक ही सेल बस जो है अंदर वाली साइड से थोड़ी मोटी है अंदर वाली साइड से मोटी है थिक है और ज्यादा इलास्टिक नहीं है ऑन द अदर हैंड ये जो बाहर वाली है नहीं इस पर कोई ड्रॉइंग नहीं करूँगी ये ऐसी ही रहेगी वाई वॉट इज द रीजन रीजन इज बिकॉज हमें पता है टर्गर प्रेशर बनता है टर्गर प्रेशर बनता है इधर साइड पे अरे अभी पीछे ही तो बताया था टर्गर प्रेशर भूल गए क्या 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 है टर्गर प्रेशर प्रेशर देखो यहां पानी आ रहा था, प्रेशर बन रहा था था बन तो क्या होता है यहां से जैसे चिप्स का चिप्स का का पैकेट पैकेट होता है है ना कभी कभार तो दो सेकंड में खुल जाता है, है ना और कभी कभार तो भैया कुछ भी कर लो वो खुलता ही नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे पकड़ते हैं गुस्से में आखिरी में और ऐसे नाखून लेकर उसको ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं बिल्कुल फटाक फट जाता है वो पैकेट ऐसे करते हैं ना पता नहीं भाई मुझसे तो बहुत बार ऐसा होता है खुलते है नहीं है चिप्स के पैकेट तो क्या होता है ऐसे उसको पकड़ते हैं बीच से और ऐसे खोल देते हैं तो सिमिलरली समझो ना यहाँ पे इसको जो है स्टोमेटा खोलना है लीफ को तो वो क्या करेगा यहाँ की अगर ये पतली होगी बॉल सोचो तो फट नहीं जाएगी कैसे काम चलेगा तभी जो है इनकी बॉल जो होती है थोड़ी थिक होती है और बाहर वाली थोड़ी पतली होती है बिकॉज उन्हें मूवमेंट करना होता है बाहर वाली को खुलना है इलास्टिसिटी चाहिए तो वो होती है थोड़ी पतली तो भाई देखो यहां तो उल्टी बात कही है इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है माई मेन पर्पज वॉज कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है ये बता दूं तो क्या है एक पॉइंट और एड हो जाएगा और राइट right. तो क्या है एटीन का आंसर इज ऑप्शन ए क्लियर है आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द फॉलोइंग इज अ पर्पज ऑफ ए ए क्या है ट्रांसफोरेशन ट्रांसफोरेशन का पर्पज क्या है लेट्स रीड द ऑप्शन ऑप्शन ए हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्लांट्स बी प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर C maintains shape and structure of plants by keeping the cells flaccid. टी supplies minerals for photosynthesis. Again a good question. Mm -hmm. बहुत ही अच्छा question है ये भी A का purpose क्या है purpose, क्या करना चाहता है? A, a है Transpiration. पीछे देख लिया था transpiration क्या होता है Water का loss होना तो इतना तो clear है Water loss बचाएगा नहीं Prevent का मतलब समझते हो किसी चीज को बचाना अरे भैया इससे तो water loss हो रहा है तो ये गलत है पहला क्यों छोड़ दिया बता रही हूँ सी देखो पहले मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स यहाँ तक बहुत अच्छा है ये होता है ना कुछ कुछ लोग जो शुरू शुरू में देखते हैं यहाँ तक तो बहुत अच्छा है फिर पता चलता है तो ये यह देखो यहाँ तक तो बहुत अच्छा है बाय कीपिंग द सेल्स अरे एक बात बताओ सेल्स पिचक जाएंगे तो कैसे स्ट्रक्चर रहेगा सेल्स टर्जिड रहेंगे तभी तो सब स्ट्रक्चर रह पाएगा फ्लैसिड यानी क्या हवा निकाल दी पिचक गए तो ऐसे थोड़ी ना आप सेल का शेप रखोगे दिस इज इनकरेक्ट डी सप्लाइज मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं ऑप्शन ए क्या है हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वही पीछे एक कहानी बताई थी किसकी ट्रांसपोरेशनल पुल की ट्रांसपोरेशनल पुल बताया तो ये वही काम करता है यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर हुई कहानी बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आता हो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

कि बायो में ग्राफ देख के बोलते हैं बस मैम अब क्या मतलब यही बचा था बायो पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि मैथ्स नहीं बनती तो ग्राफ आ गया इसमें अब कैसे काम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन मैथ्स जीवन में हर जगह आएगी तो परेशान नहीं हो मैथ से सिंपल कर दो उस चीज़ को ग्राफ्स में कुछ कहानी नहीं होती है और ऑनेस्टली बताऊँ तो पहले मैं भी थी जिसको ग्राफ से बहुत डर लगता था लेकिन कुछ कुछ सिंपल ट्रिक्स ले लो सिंपल ट्रिक होती है ना देखो कभी कभार हम ये नहीं कहते कि भाई शॉर्टकट मत लो पर अगर इफ़ इट्स एन ईजी वे अगर आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हो और पास में लिफ्ट है तो क्या सही रास्ता अपना तो क्यों नहीं? देखो भाई ये जो ग्राफ दिया है यहाँ पे इतना पता है ये नीचे वाली एक्स एक्सेस ये होती है राइट right. तो वैसे यहाँ पे एक एक्स एक्सेस है एक वाई एक्सेस है एक्स एक्सेस पे आपको दिया गया है पी पी यानी अनोन है अभी पी वेरिएबल अभी बताया नहीं है भाई कि पी क्या है बोल रहे हैं कि पी इन चारों में से हो सकता है ये चार कौन है एयर मूवमेंट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर लाइट और ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे बहुत आसान है अच्छे से सुनना इस क्वेश्चन को पी कुछ है पर यहाँ दिया है वाइक्स एक्सिस पे वाइक्स एक्सिस पे क्या है ट्रांसपेरेशन रेट अभी पीछे जो मैंने ट्रांसपरेशन बताया वही ट्रांसपरेशन लीफ से जो हो रहा था टोमाटा खुल रहा था वाटर पेपर बाहर आ रहे थे है ना अब रेट क्या होता है रेट हमें पता है यानी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज कैसे चल रही है वॉट इज रेट एनी बहुत ही सिंपल एक अगेन सिंपल वही लिफ्ट वाली जो बात है लिफ्ट वे ही चूज करो आप कैसे रेट जो है रेट कुछ भी चीज हो उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो, अरे डिवाइड ऐसे लिखती हूँ तो समझ आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम किसी भी चीज का रेट होता है नैसे अरे दुकान पे जाते हो इसका रेट क्या है भैया रेट क्या है रेट बोलते हो हमेशा ज्यादातर रेट रेट बोलते हो पता है क्यों बोलते हैं हाँ वो प्राइस बताएगा उसकी कीमत लेकिन कीमत भी टाइम पे होती है जैसे कभी कभार होता है किसी चीज की प्राइस बढ़ गई जैसे मिल्क के पैकेट्स होते हैं आज ये था कभी थोड़े टाइम बाद पैसे बढ़ जाते हैं एक दो रुपए तो रेट यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज द प्राइस एंड व्हाट इज द थिंग जो भी है तो जैसे रेट oh, कहा है तो रेट यानी क्या विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम के लिमिट में जो है ट्रांसपेरेशन रेट कैसे बढ़ेगा तो, ऐसे, ऐसे तो नहीं है थोड़ा, राम जी जैसे, ऐसे, तीर ये छोड़ा, और एक ऊपर तीर तीर छोड़ा यानी क्या मतलब है मेरी हर बात का मतलब है ध्यान से सुनना ये जो मैंने एरो छोड़ा है इट मीन इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट यानी यहां से शुरू किया है यहां से शुरू किया है तो मतलब यहाँ समझो जीरो वन टू थ्री फोर यहाँ से बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा एंड ऑन द अदर हैंड ऊपर जो तीर छोड़ा है अरे वही रॉकेट दिवाली में रॉकेट उड़ाते हैं हाँ खैर वो रॉकेट टेढ़ा रखने पे सीधा जाता है ऐसा होता है कि नहीं हाँ मतलब आए मेरे को बचपन याद आ गया कोई बात नहीं आ जाओ चलो रॉकेट रखा भाई रॉकेट टेढ़ा रखा तो सीधा जाएगा अभी जो सीधा तीर चलाया है यानी नीचे से ऊपर जा रहा है नीचे लो लेवल होगा तो कुछ कहेंगे मैम कहना क्या चाह रहे हो तो अब सुनो अब आएगी मेन बात ध्यान से सुनना यहाँ पे मैं मार्क कर सकती हूँ जीरो फॉर माय अंडरस्टैंडिंग अपने देखो ग्राफ में कभी कभार ये ऐसा डायरेक्ट दे दिया होता है नंबर नहीं दिए तो दिमाग चलता नहीं है क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा है नंबर के साथ तो अपने कन्वीनियंस तो के लिए रफ साइड में कर सकते हो ना यहाँ बना देना जीरो यहाँ गाड़ी चलाना वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे गाड़ी चला देना अपने लिए रफ में फिर से बोल रही हूँ

ठीक अब ये देख रहे हो ये कैसा आ रहा है ये जो है ऐसा नहीं लग रहा ढलान से नीचे आ रहा है एकदम से ये तो ऊपर जाना चाहिए ये तो नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है यानी इस चीज को हम क्या कहते हैं स्लोप इतना तो समझते हो ग्राफ में ये स्लोप होती है ये कैसी स्लोप दिख रही है ज्यादा से कम हो रहा है इतना मानते हो कि नहीं कैसे मानोगे ये देखो ये ऐसी लाइंस बना दो हॉरिजॉन्टल ये देखो ये जब एंड में आया यहाँ पे आके खत्म हुआ तो ये वन पे हो गया यानी पहले ट्रांसपेरेशन रेट ज्यादा था क्या कंक्लूड कर सकती हूँ पहले शुरुआत में ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा था लेकिन जैसे ही कुछ ये चीज़ है ये बढ़ती गई तो ट्रांसपरेशन रेट कम होता गया क्या देखी कुछ ये चीज़ है ये चीज़ बढ़ती गई तो ट्रांसपरेशन रेट कम होता गया क्या बोला मैंने फिर से सुनो ये चीज़ कोई चीज़ है पी ये बढ़ती गई तो ट्रांसपरेशन रेट क्या होता गया कम होता गया तो मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जो पी है इट इज़ डायरेक्टली ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या अगर कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी जैसे जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके पेरेंट्स के जो दुख हैं वो कम होंगे है ना जो दुख है जो डांटना है वो कम होगा है ना आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़े यहाँ से पेरेंट्स ने डांटना कर दिया बंद लगा लो उल्टी कहानी है ना आपके मार्क्स कम होने लगे पेरेंट्स का डांटना बढ़ना लगा तो ये दोनों क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स यानी उल्टा तो सिमिलरली पी ऐसी कोई चीज है जिसके बढ़ने से ट्रांसपेरेशन टी क्या है बेटा ट्रांसपिरेशन रेट है ना ट्रांसपेरेशन रेट कम होगा तो अब मेरी बात सुनो ये समझ गए देखो सबसे पहले इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ये स्लोप है अच्छा स्लोप को क्या कहते हैं ज़्यादा से जो कम हो उसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप याद रहे तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं याद रहे तो ठीक कोई बात नहीं मैं बस बता रही हूँ जिनको इन्फॉर्मेशन लेनी है ले लो ठीक समझ गए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन विच मीन्स कोई तो इन्वर्स प्रपोर्शनैलिटी वाली चीज़ है तो अच्छे से सुनिएगा एक नाम यहाँ मैं लिखती हूँ ह्यूमिडिटी का एक नाम यहाँ मैं लिख देती हूँ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बेसिकली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है अब बाहर ध्यान से सुनना क्या होता है अच्छा इसको मैं ऐसे समझाती हूँ चलो भाई मैं सोच रही थी कौन सा सबसे आसान तरीका है ना आप लोगों को कौन सा सबसे आसान तरीके से समझ आता है वो है ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है चलो अब मान लो ये लीफ है अरे लीफ तो दिख रहा है ना मान लो अब ये यहाँ पे स्टोमेटा है एक ओपनिंग है अभी के लिए समझो ठीक ना यहाँ मैं कुछ ऐसे ब्लू से बनाऊंगी कुछ ऐसे ब्लू से बनाऊंगी वाटर के पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स ये मैंने क्या बनाया है अंदर लीफ के अंदर ब्लू से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर क्या है एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या हुआ अब देखना ध्यान से सुनना सुनना नहीं मतलब देखना अरे दोनों एक साथ करना सुनो भी देखो भी कर सकते हो कि नहीं यह है एटमोसफेयर देख रहे हो? हो गया बन गया हो गया हो गया ठीक है नाउ ये बाहर क्या है एटमोसफेयर है अंदर क्या है लीफ है याद आ रहा है कि नहीं विधि का विधान कौन विधि का विधान हमेशा कोई भी चीज़ हाई होती है वो लो में जाती है विधि का विधान है विच मीन्स इफ यू कैन सी आउटसाइड में हाई वाटर पोटेंशियल है आउटसाइड में हाई वाटर पोटेंशियल है अंदर लो है तो एक बात बताओ लीफ ट्रांसपीरेशन क्यों करेगी लीफ पानी और बाहर क्यों देगी ये सिंपल वे है इस चीज़ को समझने का लीफ पानी बाहर अरे बाहर जब ऑलरेडी पानी है ज़्यादा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है सल्यूट में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो बाहर क्यों जाएगी अंदर तो कम है यानी ट्रांसपरेशन ट्रांसपरेशन का मतलब ही क्या होता है वाटर लॉस स्टोमेटा खुलता है वाटर लॉस होता है लेकिन अगर बाहर ज़्यादा मॉइस ये ह्यूमिडिटी हुई तो वाटर लॉस यानी ट्रांसपरेशन का रेट जो है कम हो जाएगा तो समझ गए मतलब विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द ट्रांसपरेशन रेट डिक्रीजेस फिर से नहीं समझ आया इस क्वेश्चन को फिर से घुमा के देखना कोई दिक्कत नहीं है अरे यूट्यूब है पीछे कर सकते हो ये बहुत ही अच्छी चीज है भाई मैम ने क्या बोला उसको फिर से रिवाइन कर लिया पूरी कहानी फिर से ह्यूमिडिटी बड़ी ट्रांसफरेशन रेट कम हुआ उल्टा कर लो ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो ट्रांसफरेशन अच्छा होगा इज इट क्लियर पहला पहला स्टेप क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा ग्राफ टाइम लिया भाई जल्दबाजी नहीं करनी थी हमने आराम से ग्राफ को समझा देन हम आए इधर रिलेशन निकालने क्लियर हो गई बात So which means, कौन सा आंसर है हमारा सही डी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी ह्यूमिडिटी के बढ़ने पे ट्रांसफर रेट कम होता जाता है करेक्ट आंसर और जिस जिसने ये आंसर दिया हो क्या हो सकता है उस वक्त टाइप नहीं कर पाए हो लेकिन अब समझ गए हो तो वेल well डन बहुत ही अच्छा है बहुत ही सही अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शन डी और जिस जिसने दिया है अगर

insoluble molecules of food into smaller soluble molecules. This is accomplished by breakdown of biomacromolecules by the action of different enzymes present in the elementary canal and the associated glands. क्या बताया? आपको कुछ कहानी बताई है कि digestion ये होता है, वो होता है. Now, table देख रहे हो. Table का खेल है. Table में आपको तीन type की heading दी है. एक है enzyme, एक है substrate, एक है product. तीनों heading जिक्र रही है. enzyme प्रोडक्ट और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है नाउ हम देख रहे हैं सारी चीजें फिल्ड नहीं है, पे ग्वेस्ट ग्वेस्ट हमें करना है तो एक एक करके एक एक को उठाते हैं एक एंजाइम एक सबस्टे उसकी कहानी को देखते हैं इनको आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि यहां आइडेंटिफाई कर दिया केस की हिस्ट्री पे चले गए तो सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल चलो डाइजेशन के लिए बताया है चलो भाई यहाँ पे कहानी मेनली किसकी है न्यूट्रिशन की कहानी है न्यूट्रिशन देखो अगेन बता रही हूँ जो पूरा लाइफ प्रोसेस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छी खासी कहानी है बोथ इन प्लांट्स एंड बिकॉज बिकॉजिस भी अच्छे से देखा था और यहाँ पे यहाँ पे जब हम ह्यूम्स की बात कर रहे हैं तो ये कहानी भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी ऑब्जर्व अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के जो जगह थी माउथ में देखा स्टमक इंटेस्टाइन हर जगह कुछ ना कुछ डाइजेशन हो रहा था अब जब डाइजेशन हो रहा है तो अलग अलग एंजाइम यूज हुए थे तो ये कहानी हमने बिल्कुल याद की थी कौन से पीएच में कौन सा एंजाइम कौन से चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहा है ठीक है तो ये उसी पे क्वेश्चन है अच्छा रिवीजन है ध्यान से सुनना और राइट अब डाइजेशन कैसे होता है खाने का देखो खाना लेना और डाइजेस्ट करना दोनों में बहुत फर्क है कभी कभार कहता है ना कि ये खाना पचा नहीं यानी डाइजेस्ट नहीं हुआ तो मुँह में ले तो लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ डाइजेशन यानी क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना डाइजेशन यानी का कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना तो ये तोड़ने का काम कौन करते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं हमारे प्यारे एनजाइम्स एनजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट इस काम में ये मदद करते हैं और राइट सो लेट्स सी एनजाइम सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन पहला एनजाइम क्या दिया है भाई बताओ सलाइवरी सलाइवरी अमाइलीस एनजाइम का नाम है सबस्ट्रेट लिख दिया है ए और प्रोडक्ट लिखा है मेल्टोज प्लस आइजो मल्टोस ठीक है भाई समझ गए अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन समझ रहे हो क्या हो रहा है एंजाइम मैंने बता दिया प्रोडक्ट यानी बन के क्या आया अरे तोड़ा किस में होता है तोड़ा किसको सबस्टेट क्या होता है तोड़ा किसको अरे बोल तो रहे हैं सब्सटेंस को तोड़ना है पर कौन से सब्सटेंस को इसको ये जो है यहाँ पे सब हैं उनके नाम आइडेंटिफाई करो तो एंजाइम है सलाइवरी सलाइवर प्रोडक्ट है माल्टोस प्लस आइजो सबस्टेट कौन होगा तो आ जाओ जल्दी से सलाइवरी अमाइलेस की कहानी को जो है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सलाइवरी अमाइलेस डाइजेशन का अब मतलब पूरा जो किस्सा है किसका चलना है डाइजेशन का चलना है और उसमें बहुत ही अच्छे से सुनिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस क्लियर है कि नहीं सलाइवरी अमाइलेस कहाँ मिलता है सबसे पहले तो ये आपको मिलेगा सलाइवा में सलाइवा क्या अरे वही जो कहते हैं ना मुंह में पानी आया है टेस्टी टेस्टी चीजों का नाम अगर मैंने ले लिया अभी और मुंह में जो पानी आ गया दैट इज सलाइवा तो इसी सलाइवा में प्रेजेंट रहता है सलाइवरी अमाइलिस एंजाइम अब मतलब जब हमने चैप्टर पढ़ा था याद से ध्यान से सुना होगा तो याद होगा कि जो डाइजेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इट्स सेल्फ यू मस्ट हैव हर्ड द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इट सेल्फ यानी कैसे ये माउथ में जो सलाइवा है उसमें एंजाइम है यहीं से अरे यहीं से काम कर देते हैं तोड़ना हाँ कंप्लीट अंदर जाके होता है पूरा बट शुरुआत तो हो जाती है तो सलाइवरी तोड़ता है 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 किसे इसी की तो कहानी ये ब्रेक डाउन करता है, अच्छे से सुनना स्टार्च को मैं, तो मैंने खाया नहीं था अरे खाना खाया था ना जैसे जो खाना आप खाते हो वही उसी की बात है पिज्जा वगैरह खाए दाल रोटी खाए दाल चावल खाए जो भी खाया है ना पनीर की सब्जी खाई तो उसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सब के नाम है ये भाई इनको ब्रेक डाउन बिकॉज आर बॉडी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जो हम खाना खाते हैं वो कहते हैं स्टार्च है प्रोटीन्स है ये सब बताओ तो सलाइवरी अमाइलेज ने किसको ब्रेक किया स्टार्च को स्टार्च कह सकते हो नाम बता रही हूँ ध्यान से सुनना ऑल्टरनेट नाम्स बिल्कुल आने चाहिए स्टार्च बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो क्या कह सकते हो बताओ पहले तो मुझे स्टार्च कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो या फिर या फिर कह सकते हो क्या क्या कह सकते हो चलो क्यों बोल रही हूं क्वेश्चन में हो सकता है जो आपको प्रोडक्ट है उसमें कुछ और दिखा दें तो कंफ्यूज हो जाओ स्टार्च कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो पॉलीसेकेराइड्स कह सकते हो या ग्लूकोस भी कह सकते हो ठीक है इतना समझ गए ग्लूकोस तो याद ही रहता है ये समझ गए ये जो है ये अभी जो मैंने पीछे एक्टिविटी दिखाई देखो एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या बना माल्टोज और आइसोमाल्टोज तो ये कौन कन्वर्ट कर रहा है किसे कन्वर्ट हो रहा है यही स्टार्च कन्वर्ट होता है आगे जाके माल्टोज और आइसोमाल्टोज में ये पूरी स्टेप्स है बच्चों ये पूरी स्टेप्स होती हैं लेकिन हम डायरेक्ट देखा था कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है इज इट क्लियर और नॉट देख लो चलो पहले देख लो अच्छे से देख लो समझ गए कि नहीं तो आ जाओ इधर अब कोई भी ऑल्टरनेट नाम आएगा वो हम लिख देंगे कोई भी ऑल्टरनेट नाम आएगा वो हम लिख देंगे तो फॉर नाउ वी विल राइट ए एसटार्च क्लियर है ए एस्टार्च बी सी डी ई कितने तक है भाई ई e. तक है ना चलो बी क्या है एक एंजाइम है दिया नहीं है कौन है लेकिन ऐसे छोड़ नहीं देते हैं देखो सब में दे क्लियरली गिविन पेप्टोन एंड प्रोटी एज एंड प्रोटीज एंड प्रोडक्ट में क्या दिया है डाई पेप्टाइड समझेगी नहीं कहानी क्या दिया है एंजाइम दिया है बी सब्सटेट दिया है, है तो किसकी कहानी याद करनी है ऐसा कौन सा है जो कि कौन सा सबस्टेट बनाता है पेप्टोन्स और प्रोटीज और उसको जो है तोड़ देता है किसमें में तो जब मैंने याद किया तो मुझे याद आया यस मैम ऐसा था एक हमारा एंजाइम कौन वो है ट्रिप्सिन याद करिए ट्रिप्सिन एंजाइम हमने देखा था कहाँ से निकल रहा था अरे आ जाओ पैनक्रियाटिक जूस याद है पैनक्रियाटिक जूस की एक मैंने कहानी बताई थी कि इसमें तीन एंजाइम के नाम्स हैं नाम्स हैं नेम्स हैं जो कि याद नहीं होते कभी कभी तो इनकी कहानी मैंने कही थी ऐसे याद रखो टाल दिया करो कभी कभार करते हैं ना हम कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको टाल देते हैं अब पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम के नाम याद नहीं आए तो हमने क्या किया मैम इसको हमने थोड़े टाइम के लिए टाल दिया पहले टाल दो ऐसे लिख देना टाल नाउ इससे फिलअप कर दो टी हो गया ट्रिप्सिन ए हो गया अमाइलेज एंड एल हो गया लाइपेज इज इट वेरी मच क्लियर और नॉट लुक हेयर एंड टेल मी ट्रिप्सिन अमाइलेज एंड लाइपेज अरे हो गए ना यही तो तीन नाम है पैनक्रियाटिक जूस के ठीक है चलो तो ये जो ट्रिप्सिन है अभी इसकी बात करो ट्रिप्सिन क्या करता है ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है पेप्टोन्स में आगे आगे चलते चलते एंड स्टेप तक ये कहाँ बदल जाते हैं डायपेप्टाइड्स पे पूरी कहानी देखनी है तो देन अगेन अगेन हर एक टॉपिक का वीडियो है वहाँ पे जाके देखना यहाँ रिकॉल किया है हमने यानी बी क्या हो जाएगा बी कौन सा एंजाइम है ये है ट्रिप्सिन चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं आओ एंजाइम है सी सबस्टेट है डी और प्रोडक्ट है क्या है एंजाइम है सी सबस्टेट है डी और प्रोडक्ट क्या दिया है मोनोग्लिराइड तो चलो भाई अब थोड़ा ध्यान दो किस पे इधर पे किधर ध्यान दोगे इधर पे ध्यान दो चलो मोनोग्लिसराइड ध्यान से सुनना मोनोग्लिसराइड ये जो प्रोडक्ट बनता है ये जो प्रोडक्ट बनता है ये सबसे सिम्प्लीफाइड है ये सबसे सिम्प्लीफाइड है तो इधर आओ कहाँ पे आओ इधर आओ यहाँ आ जाओ तभी ये नाम लिखे थे लाइपेज याद है लाइपेज पता है क्या करता है लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को अच्छे से सुनिएगा लाइपेज क्या करता है अरे यही पैनक्रियाटिक जूस से निकला हुआ लाइपेज क्या करता है ये डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को तो नाव जब ये कहानी मैंने कही तो याद करो ये है लाइपेज नहीं अपन ऐसे नहीं करते आ जाओ ये है फैटी एसिड या फैट कह लो और ये पता है कैसे फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स या डाइग्लिसराइड्स और कल दो ट्राइग्लिसराइड्स चलेगा इनको ब्रेक डाउन करके डाय में करेंगे एंड लास्ट में होगा ये मोनोग्लिसराइड सिंपल फॉर्म में जो प्रोडक्ट बनेगा देखो यूज किसको किया है हमने यहां पे हमने यूज किया है एंजाइम लाइपेज़ दे रही हूँ डाइजेस्ट कर लो दो मिनट ये बात को डाइजेस्ट कर लो हाँ क्या बात कही फैटी एसिड जो फैट्स होते हैं वो कैसे होते हैं फॉर्म बताया है उनका ट्राई तीन ग्लिसराइड के मोलिक्यूल्स जो है उनसे बने होते हैं ये किस में तोड़ते हैं इनको डाईग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड आखिरी प्रोडक्ट आता है कौन सा एंजाइम यूज किया ये देखो लाइपेस इज इट क्लियर तो विच मीन्स सी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा लाइपेस और डी अपन ले लेते हैं अभी के लिए ट्राई ग्लैसराइड ले लेते हैं ठीक या फैट्स ले लो जो भी ले लो जो आ जाए क्वेश्चन में ठीक लास्ट आ जाओ बहुत इजी इजी है लास्ट एंजाइम है ई e, सबस्ट्रेट दे दिया है कैसिन और प्रोडक्ट दे दिया है प्रोटीओज एंड प्रो, पेप्टोन्स प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स तो दिस इज अगेन वेरी इजी कैसिन की बात हमने देखी थी ये पता है क्या होता है देखो ये टूटता है ये बेसिकली जैसे हम कहते हैं

ये जो है प्रोडक्ट किस में बदलता है ये इसको बदल देता है और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में जैसे पेप्टोन्स वगैरह होते हैं ताकि जो मिल्क होता है जो मिल्क वो कंज्यूम करते हैं अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाए वो और सिंप्लीफाई हो जाए क्लियर है तो क्या नाम है कैसीन है सबस्ट्रेट का नाम एंजाइम रेनिन है प्रोडक्ट तो हमने देख लिया पेप्टोन्स और प्रोटीसिस ठीक तो ई लिख ई यहाँ पे लिख दू रेनिन चलेगा अब चलाना पड़ेगा सही है क्योंकि ई है रेनिन चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ ए आइडेंटिफाई ए अब ए पूछा जा रहा है क्या है तो इसे कहते हैं चीटिंग कैसी चीटिंग है देखो यहां पे दिया हुआ है ए ए हमने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया ए क्या है ए इज स्टार्च तो यानी ऑप्शन सी सलाइवरी अमाइलेज किसको हाइड्रोलाइज करता है किसको ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को तीस से चालीस परसेंट माउथ से शुरू हो जाती है ये कहानी और खत्म होती है

क्या बोला था शुरुआत में केस सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए महाराष्ट्र चले जाओ मतलब जहां से केस था वहां चले जाओ कहानी रिकॉल कर ली नाउ तो ये चल रहे हैं भाई लेवल के क्वेश्चन और कितने आसानी से हो गए ट्रिप्सिन है अभी ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन्स को जो है ये डाइजेस्ट करता है क्लियर है कि नहीं ब्रेक डाउन करता है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सी इज एक्टिवेटेड बाय डैश बाइल पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइनल जूस एचसीएल सी कौन है भैया बताओ सी तो लाइपेज है अच्छे से सुनना लाइपेज कौन था वही फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को क्या कर रहा था ये डाइजेस्ट देखो ये क्या करता है इमल्सिफाइड जो फैट्स ऑलरेडी इमल्सिफाइड हैं इमल्सिफाइड जो फैट है उन्हें बेटा ये डाइजेस्ट करता है ठीक है कौन लाइपेज तो अब सुनो बात ये जो एंजाइम्स होते हैं ना डांस होना ये डिमांडिंग लोग होते हैं डिमांडिंग यानी मतलब वो आते हैं ऐसे कुछ लोग कि भैया मतलब हमें ये नहीं मिलेगा हमें अगर इस रूम में जूस वगैरह नहीं ला दोगे ए वगैरह नहीं चलाओगे तो हम काम नहीं करेंगे हमें डेली हमारे ऑफिस में जो है ए चाहिए बिल्कुल ठंडा और जूस वगैरह रोज चाहिए तो ही हम काम करेंगे तो वैसे ही ये जो एंजाइम होते हैं ये भी अरे ऐसे ही होते हैं ये इनएक्टिव स्टेट में बैठे रहते हैं मैं नहीं कर रहा काम मैं नहीं कर रहा कहता है तो कहता है ठीक है ये कहता है सुनो भाई मुझे जो है सुनो भाई मुझे जो है बाइल दो मुझे क्या दो बाइल जूस दोगे तब जाके मैं एक्टिवेट हूँगा मुझे बाइल दोगे तब मैं जाके एक्टिवेट हूँ यानी जो सी है एंजाइम लाइपेस ये कब एक्टिवेट होता है ये तब होता है जब बाइल जूस से ये मिलता है हेलो हाय करता है ठीक है ये पूरी कहानी तो खैर देखी थी न्यूट्रिशन में अभी के लिए क्या समझो लाइपेस को कौन एक्टिवेट करता है नींद से कौन जगाता है ऐसे बायल जूस विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर समझे हो कि नहीं मेरी कहानी सोते हुए इंसान को जगाया किसने पाइल ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई देख लो बेटा ई e है रेनिन ठीक है चलो सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं ऑप्शन ए इट कोगलेट्स मिल्क इन टू कर्ड विच हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन बाई एंजाइम्स b it 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 kills the 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 bacteria swallowed along with the food and makes the medium acidic for activation of pepsin c it partially breaks down the lipids or d it acts upon starch to produce maltose okay. चले बताओ ये जो मैंने आवाज निकाली अलग अलग टाइप से क्वेश्चन okay. है अच्छा क्वेश्चन है इसको रुक जाओ पहले जो मैंने इतनी अलग अलग तरह की आवाज निकाली ये कहाँ से निकाली कैसे निकाली है? अभी हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में ऐसा कोई अंदर है बैठा हुआ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की आवाजें निकलती हैं तो कौन है वो अरे पढ़ाई की बात है जल्दी से कमेंट करके बताओ देखती हूँ किसको याद है अलग अलग, अलग आवाजें और आप में से तो होंगे बहुत सारे महारथी जो करते होंगे मिमिक्री मेरे जैसे ठीक है तो बताओ कहा से निकालते इतनी सारी आवाजें क्या नाम है इस बक्से का कितनी हिंट दे दी बॉक्स बोल रही हूँ समझ जाओ क्या नाम है जल्दी से कॉमेंट करके बताओ तो मैं देखती हूँ किस किसने का कॉमेंट आया है सही कर लिया चलो वापस कम स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट बताना है e क्या है e है बेटा बेटा बोलो हम में आ, में आ गए बेटा क्यों कहते हो तो टीचर के लिए जो होते हैं हमेशा बच्चे ही रहते हैं ठीक है तो उसको उसी वैसे देखो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो मतलब डरना है डर अरे डरोगे तो कुछ याद नहीं होगा डरोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा ऐसे पढ़ो एकदम बिंदास तरीके से पढ़ो इस टाइप से नॉलेज लो नॉलेज भी आ रहा है और अच्छे से आ रहा है याद भी इज इट क्लियर सो ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट ई क्या है बेटा रेनिन रेनिन मैंने बताया था अभी पीछे डिस्कस हुआ था रेनिन जो है अपन को इन्फेंट्स बच्चों में मिलता है क्यों क्योंकि देयर मेन डाइट इज मिल्क बोलते हैं ना दूध पीता बच्चा है क्या तो मिल्क पीते हैं उसी में से सारा काम होना है तो रेनिन क्या करता है रेनिन मदद करता है इस मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए यानी दूध का दही कर देता है रेनिन क्या करता है रेनिन दूध का दही कर देता है और उसके बाद जो है वो फर्दर एंजाइम्स एक्ट होते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में क्योंकि इन्फेंट की बॉडी देखो बच्चे की बॉडी है अभी थोड़े थोड़े डेवलप होना चालू हुई है हमारी बॉडीज तो अब देखो हम बड़े हो गए इतना न्यूट्रिशन बाहर से लिया है वहाँ से सारी चीज़ें आई हैं बच्चे क्या करें बेचारे अब सब तो लेके नहीं आए हैं पहले से जो लाए थे रेनिन उसी का यूज़ किया उसने दूध का दही कर दिया और वो दही बाद में और डाइजेस्ट हो गया एंजाइम्स की मदद से Which means obviously option A is the correct answer. Is it clear? Renin क्या करता है? It coagulates the milk into curd, which helps in further digestion by enzymes. चलो भाई आजाओ. Last question, question number twenty five. Identify D and C. आपको क्या identify करना है बेटा D और C. क्या है D? D यहाँ पे लिखा है कुछ D है. Arrow दिया है. उसने बदला diglycerides में. Then again ये breakdown हुआ monoglycerides. Usually जब digestion में आप देखोगे arrows इसका मतलब है ब्रेक डाउन हो रहा है ठीक है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कबार लिखता ऊपर हर बार नहीं लिखेंगे आप समझ जाओ ना न्यूट्रिशन की बात है डाइजेशन हो रहा है यानी डाइग्लिसराइड था ये टूटा मोनोब्लिसराइड में तो सबसे पहले कौन होगा सबसे पहले कौन अरे ऊपर पीछे दिखाई थी तो थी मैंने बात पीछे दिखाई तो थी तीन वर्ड एक साथ बोल देती है ना तो थी पीछे दिखाई तो थी मैंने बात कहां दिखाई थी फैटी एसिड्स की देखो लिखी होगी ना फैटी एसिड्स नहीं लिखी चलो भाई वापस आ जाओ वापस लिख देते हैं फैटी कह लो फिर फैट्स भी तो कह सकते हो fats को हमने किस में बदला था fats होते हैं इनको बदला था कौन था वो लाइपेज तो क्लियरली डी जो है डी हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा यहाँ पे फैट्स डी क्या हो जाएगा फैट्स और सी जो है इधर की बात है वहां की बात नहीं है अब इसको थोड़ा भूल जाना इसको जो है भूल जाना इसको यहाँ भूल जाओ अब यहाँ देखो डी क्या है Fats. Question पे ध्यान देना यहां पूछा है अलग से तो उधर ध्यान देते रहना। इधर वाला D पूछा है टाल देने वाला लाइपेज so कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल बेहतरीन आंसर है अभी क्या करना है वीडियो के एंड में एंड आई गया है क्वेश्चन खत्म हो गए क्या बताओगे मुझे कमेंट करके बताओ टोटल हमने देखे हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव जितने कॉमेंट दिए हो नहीं दिए हो अपने साथ तो सॉल्व कर रहे थे तो उसमें से कितने सही गए बताओ जल्दी से कॉमेंट करके जितने गए डरने का नहीं भाई अपन क्लास में अपन सिर्फ प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं और कितनी मेहनत करनी है और राइट बोला तब तक मैम फिर क्या करने का है उसके बाद जाओ हमारी वेबसाइट है मैग्नेट पे जब क्लिक करोगे ऐसा पेज खुलेगा यहाँ बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है सारे कोर्सेज के जी से लेकर ट्वेल्थ तक कॉम्पिटेटिव ओलम्पियाड जो बोलो नाम सारे कोर्सेज यहाँ दिए हैं लेफ्ट साइड में कोर्सेज दिए हैं इंग्लिश हिंदी दोनों हैं आप इंग्लिश के लिए ऑप्ट करोगे तो इधर दिखेगा गो फॉर क्लास टेंथ यहाँ अगेन ओलंपियाड का सेक्शन आएगा यू कैन वॉच अदर टीचर्स वीडियोज एज वेल सारी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही बेहतरीन है टॉपिक वाइज अरेंज है फॉर बायोलॉजी यू विल सी माई फेस हाई यहाँ थोड़ा अलग है पर ये मैं ही हूँ चलो एंड सारे वीडियोस टॉपिक मतलब अभी अपन ने जो कवर किया है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस तो लाइफ प्रोसेसेस के जितने हैं टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज एंड न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन उन्हें जाके देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं अजर्शन एंड रीजन एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर